सो हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग सभी को उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक एक बार कंफर्म कर देंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आज का टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई और इन्फ्लेशन ही डिमांड एंड सप्लाई एंड टाइप्स ऑफ मार्केट बिकॉज इन्फ्लेशन कल से स्टार्ट करेंगे कल से हम लोग का जो मनी एंड बैंकिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी स्टार्ट हो जाएगा और हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है ऐसा मत आप यहाँ पे प्री आजम्पन करके मत चलिएगा ठीक है आज हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग प्री एजम्पन करते हैं रिगार्डिंग द मनी वी होल्ड विद आर सेल्स उसको क्या बोलते हैं और किस तरह से इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी रिसेंट एग्जाम्स में चाहे डिमांड एंड सप्लाई हो चाहे टाइप्स ऑफ मार्केट हो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अब यहाँ पे मैंने डिमांड एंड सप्लाई लिखा है अब इसके अंदर हम जो अभी सीजियल दो हज़ार से मार्जिनल यूटिलिटी पे क्वेश्चन पूछा गया वो करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी पे जो क्वेश्चन पूछा गया आपके सी एच एग्जाम में उसको देखेंगे ठीक है तो वो सारे टॉपिक्स को यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता हूँ ठीक है थमने या टाइटल पे बट वो सब इसी के अंदर कंटेंट है और अगर आपने क्लास मिस करी तो आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट सकती हैं वो काम मेरे पे छोड़िए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है वो सारा काम मेरा है ठीक है आपको सिर्फ लेक्चर पे रेगुलर रहना है कंसिस्टेंट रहना है विदाउट योर प्रियजम्पन कि भाई ये जीडीपी वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये काम होता है किसके शिफ्ट में कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाए कुछ पता नहीं ठीक है सर दौड़ क्या है क्या हाँ बिल्कुल अभी मैराथन करके आए हैं सर आपको शादी का जम्शन भी होते रहता है बहुत अच्छा लोन रिपेमेंट इसीट लोन रीपेमेंट इज़ कैपिटल रिसीट बिल्कुल लोन रोज रोज थोड़ी ना देते हो लोन का जो इंटरेस्ट है वो रेवेन्यू होगा लोन का जो रीपेमेंट है पहली बात तो रिसीट नहीं है एक्सपेंडिचर है जो आप पे कर रहे हो जो आपने लोन लिया था तो कैपिटल रिसीट में आया था अब जो लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा वो क्लियर है क्यों क्योंकि लोन आप एक बार जैसे आपने लिया इंटरेस्ट हर महीने भर रहे हो तो उसका इंटरेस्ट आना इंटरेस्ट जाना रेवेन्यू में जा होगा बट लोन लेना और लोन का रीपेमेंट करना दैट विल बी अंडर कैपिटल हेड ओके और तुम लोगों ने वो क्वेश्चन गलत किया बहुत गुस्सा ही ठीक है और वो रिएक्शन तुमने देख ही लिया होगा मेरा मतलब जितना मैं देख पाया था तकरीबन ट्वेंटी एट परसेंट लोग पच्चीस से लेकर अट्ठाईस परसेंट लोग यहाँ सही आंसर दे पाए थे ये क्या मतलब है मतलब या तो, तो तुम लोगों ने वहाँ पर नॉट नहीं देखा नॉट इंक्लूड नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल सीट ये क्वेश्चन लास्ट शिफ्ट में पूछा गया था सीजल जो भी हुआ दो हजार तेईस लास्ट सॉरी लास्ट हाँ लास्ट शिफ्ट में ही पूछा गया ये ठीक है इनमें से कौन सा नहीं है और मल्टीपल शिफ्ट में सीजल दो में ही क्वेश्चन पूछे गए ठीक है तो चलिए भी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो ध्यान से यहाँ पे देखा करिए लेक्चर्स को रिवाइज़ किया करिए बिना रिवीजन के फिर सारी चीज़ें टाइम वेस्टेज हैं ध्यान रखिएगा इस चीज़ का तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप डिमांड और सप्लाई देखते हैं और टाइप्स ऑफ मार्केट सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई यानी आज हम देखेंगे कि जो मांग और आपूर्ति इनमें क्या रिलेशन होता है डिमांड और सप्लाई में क्या रिलेशन होता है क्यों जब आप चीज़ों के दाम महंगे हो जाते हैं तो आप ज़्यादा नहीं खरीदते हैं कम खरीदते हैं जब कम दाम हो जाते हैं तो ज़्यादा खरीदते हैं लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि एप्पल जैसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं एप्पल से मेरा मतलब है ऐप्पल का आईफोन जो आता है या फिर एपल के जो बाकी डिजिटल प्रोजेक्ट प्रोडक्ट्स हैं टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल कंपनी की यहाँ पर बात हो रही है एप्पल सेव की बात नहीं हो रही है ठीक है तो क्यों जब उसके प्राइस बढ़ते हैं आईफोन फोर्टीन फिफ्टीन फिफ्टीन प्रो ये जाने क्या क्या तो और डिमांड बढ़ने लगती है यहाँ पर तो प्राइस बढ़ रहा है बट डिमांड क्या हो रही है डिमांड भी बढ़ रही है ऐसा क्यों होता है इस तरह के जो गुड्स हैं इनको क्या बोलते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे बट बिफोर स्टार्टिंग दैट लेट एस सी वॉट इज़ डिमांड मांग क्या है किसी चीज़ को डिफाइन करना पड़ता है ना कि डिमांड एंड सप्लाई भाई इकोनॉमिक्स की अलग डिमांड है इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब है जैसे जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे जैसे कि हम जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं दूध वाले के यहाँ जाता हूँ मुझे कुछ कुछ भरोसा नहीं है कि वो दूध जो ले कर आएगा वो कैसा ले कर आएगा या फिर जो मैं आ, मार्केट से खरीदूँगा वो कैसा होगा तो इसी वजह से मैं जाता हूँ चट्टे पे सीधे चट्टे पे ना खुद जाता हूँ और असाइड करता हूँ खुद धोता हूं मैं जाके <laughs> ऐसे इमेजिन करो और फिर मैं बोलता हूं कि देखो मेरा जो मिल्क है वो प्योर मिल्क है मेरा मिल्क प्योर मिल्क है बट केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये मेरा मिल्क प्योर नहीं है वो केमिस्ट्री में देखेंगे क्यों प्योर नहीं है उसी तरह डिमांड इन इकोनॉमिक्स का मतलब समझना पड़ेगा ये डिमांड इन इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है ठीक अब डिमांड इन इकोनॉमिक्स का मतलब है इच्छा और औकात डिमांड इन इकोनॉमिक्स का मतलब है इच्छा और औकात और तीसरा क्या है तीसरा है बेटर टर्म सोच रहा हूँ थोड़ा टाइम दो तीसरा है आ, आ नहीं रहा है ठीक है दिमाग में वो हिंदी टर्म तो तीसरा है आपकी सेटिस्फैक्शन ठीक है सेटिस्फैक्शन इच्छा का मतलब है आपकी ईगरनेस ठीक है आपकी डिमा आपकी ईगरनेस टू बाय समथिंग औकात का मतलब है अफोर्डेबिलिटी औकात का मतलब है एफोर्डेबिलिटी सेटिस्फैक्शन को बोलते हैं यूटिलिटी मतलब क्या हुआ इसका एट अ गिवन टाइम ठीक है डिमांड मतलब किसी चीज को खरीदने की इच्छा और उसकी औकात होनी चाहिए उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए एट अ गिवन टाइम मतलब इसका यह है कि मतलब इसका यह है कि मेरी किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरे टमाटर खरीदने की इच्छा है क्योंकि सब्जी बनानी खाना खाना है ठीक है तो उसके लिए मुझे आलू चाहिए प्याज चाहिए टमाटर चाहिए तो मेरी इच्छा है क्या मेरे खरीदने की औकात है बिल्कुल है क्या उसे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा बिल्कुल मिलेगा जब मैं सब्जी रोटी खाऊंगा तो गजब का सेटिस्फेक्शन मिलेगा अभी सेटिस्फेक्शन पे भी आते हैं क्या होता है यूटिलिटी पहली चीज़ दूसरी चीज़ फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आ, मैंने कोई अंबानी का बंगला देखा क्या नाम उसका एंटी एंटी क्या करके कुछ नाम है ना तो मैंने उसका बंगला देखा ठीक है तो मुझे खरीदने की तो इच्छा बहुत है लेकिन क्या अफोर्डेबिलिटी है मेरी इस चीज की बिल्कुल नहीं है तो उसको इकोनॉमिक्स डिमांड कंसिडर नहीं करेगा ये चीजें इसलिए बता रहा हूं बिकॉज इस पर भी क्वेश्चन बनाए आज ही के सेशन में देखेंगे जो पीवाई हम लोग लास्ट में करते हैं उसी में देखेंगे ठीक है यूटिलिटी सेटिसफैक्शन सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए उससे आपको यूटिलिटी मिलनी चाहिए नो वॉट इज यूटिलिटी यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है कि, कि किसी चीज को ग्रहण करने से आपको कितनी तृप्ति मिल रही है समझे ये वर्ड है रियल वर्ड तृप्ति जैसे फॉर एग्जांपल फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ कि जब आपने पहली बार देखा था ठीक है तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ था फिर जब आपने दूसरी बार देखा मज़ा नहीं आया उसी सेम चीज़ को उसी सेम चीज़ को जब आपने दूसरी बार देखा मज़ा नहीं आया ज़्यादा तीसरी बार देखा और मज़ा कम हो गया चौथी बार देखा और मज़ा कम हो गया यानी आपका उस चीज़ को देखने के प्रति मतलब जैसे आपने टीवी देखा होगा पहली बार आपने मोबाइल देखा होगा पहली बार मैं उसकी बात कर रहा हूँ ठीक है तो आपने जब देखा होगा उसको तो धीरे 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 उसकी यूटिलिटी घटती जा रही होगी उसका डिग्री लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन घटता जा रहा होगा ठीक है तो ये इसको बोलते हैं यूटिलिटी और जो ये मैंने चीज़ बताई अभी कि हर आ, एक मतलब आप बोल सकते हो कि कंजम्पशन में या फिर हर चीज़ के किसी कि चीज़ के कंजम्पशन से इसकी यूटिलिटी घटती जाती है दैट इज कॉल्ड एज उसको हम बोल सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इसको हिंदी में बोलते हैं उपयोगिता हिंदी में इसको कहा जाता है उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ का एक यूनिट जो कंज्यूम किया उसकी वजह से जो आपकी यूटिलिटी घटी दैट इज़ कॉल्ड एज़ मार्जिनल यूटिलिटी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने एक रोटी जैसे मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल इसमें रोटी वाला इसमें कि जैसे मैंने एक रोटी खाई ठीक है मैं बहुत भूखा था मैं मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी थी ठीक है पानी वाली प्यास तो मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी थी तो मैंने एक गिलास पानी पिया ठीक है प्यास बुझी गई अब उसकी वजह से जो मेरी यूटिलिटी कम हुई मेरी इच्छा सेटिस्फैक्शन मतलब मेरी यूटिलिटी यानी कि आप बोल सकते हो कि जब मैंने एक एक यूनिट कंज्यूम किया होगा तो आप खुद ही सोचो कि मेरी डिमांड उस चीज़ की यानी कि अब जो मुझे अगला ग्लास ऑफ वाटर जो सेटिस्फैक्शन देगा वो कम होगा ना बिल्कुल सी बात है वो चीज़ मेरी कम हो जाएगी और जो डिग्री लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अब जो मुझे अगला ग्लास ऑफ वाटर प्रोवाइड करेगा तो ये यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है बेसिक सा है अब जितना ज़्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है ठीक है तो ये चीज़ आपने समझ ली कि मांग का मतलब क्या होता है डिमांड का मतलब क्या होता है अब हम यहां पर देखेंगे कि डिमांड कर्व जिस पे क्वेश्चन आपका बनता है कि व्हाट इज डिमांड कर्व कैसे ये रिलेटेड है आपका प्राइस से एंड सॉरी हाँ प्राइस से किस तरह से रिलेटेड है और किस तरह फिर हम देखेंगे सप्लाई कर्व देखेंगे ठीक है कि किस तरह से प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशन होता है और फिर एक बिठाएंगे यहाँ पे तो डिमांड कर्व सबसे पहले समझते हैं ठीक है यहाँ पे आप इमेजिन करिए कि अभी चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कौन सा टमाटर वाला ले, ले लेता हूँ बिकॉज अभी टमाटर के दाम बहुत बड़े थे रिसेंट में तो यहाँ पे मैं ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ किसके बीच में कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्राइस को और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वान्टिट्टी क्वान्टिट्टी मतलब क्वान्टिटी डिमांडेड डिमांड ठीक है क्वान्टिट्टी डिमांडेड मुझे बताओ यहाँ पर मैं प्लॉट करता हूँ ग्राफ एक मान लेता हूँ यहाँ पे बीस रुपये था ठीक है ट्वेंटी रुपीज़ था किसका दाम टमाटर का बीस रुपये पर के जी फिर एक मान लेते हैं कि फिफ्टी रुपीज़ पर के जी पहले मान लेता हूँ बीस रुपये जब पर के जी था तो मेरी क्वांटिटी uh, जो डिमांडेड थी वो पाँच किलो थी जो मेरी डिमांडेड थी क्वांटिटी वो पाँच किलो थी फ़ाइव के जी मैं इस तरह से प्लॉट कर रहा हूँ कि यहाँ पे वन के जी होगा ठीक है फिर यहाँ पे टू के जी होगा एंड सो ऑन करके आपका फाइव के जी तक ये गया होगा ठीक है तो ये मान लेते हैं कि जब बीस रुपये था तो मैं इतना डिमांड कर रहा था यानी कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं भाई ग्राफ प्लॉट करना तो आई थिंक सभी को आता होगा कि बीस रुपए की मेरा प्राइस था जो प्राइस था तो मेरा जो क्वांटिटी डिमांडेड था दैट वाज पाँच किलो फाइव के जी अगर प्राइस हो गया था देन पचास किलो सॉरी पचास रुपये तो जो मैं क्वान्टिटी डिमांड कर रहा था वो हो गई दो किलो फिर धीरे धीरे प्राइस और बढ़ा और सौ रुपये तक प्राइस पहुँच गया तो मैंने जो क्वान्टिटी डिमांड करी अभी वो इसके लिए मैंने करी कितनी मैंने करी एक किलो समझ में आ रहा है ना किस तरह मैंने पाँच फिर दो फिर एक जिस तरह से प्राइस बढ़ा तो मैं अपनी डिमांड को पीछे खींचता गया पीछे खींचता गया यानी कि जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता गया यानी कि ये कुछ बनेगा ठीक है ड्राइंग तो ड्राॅइंग सभी जानते हैं मेरी माशा है तो यहाँ पे ये देखो ठीक है चलो तो ये क्या बन गया ये बन गया आपका नेगेटिव स्लोपिंग कर्व ये जो इस तरह का कर्व बनता है मतलब ढलान वाला कैसी डलहान देखो इस तरह की जो ढलान है इसको नेगेटिव स्लोपिंग बोलते हैं जो इस तरह का उछाल होता है उसको पॉजिटिव स्लोपिंग बोलते हैं तो ये नहीं समझ में आ रहा रट्टा मारो सीधे ठीक है अब यहां पे हम लोग को पूरा कोई मैथमेटिक्स नहीं समझना है नेगेटिव स्लोपिंग कर्व बनाइए नेगेटिव स्लोपिंग क्यों बना बिकॉज यहां पे प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन था इनवर्स रिलेशन था इनवर्स रिलेशन था यानी कि अगर प्राइस बढ़ रहा था तो डिमांड जो क्वांटिटी क्वांटिटी डिमांडेड थी वो घट रही थी एंड वाइस ए वर्सा तो नेगेटिव स्लोपिंग कर्व बना अभी होल्ड करिएगा एक और यहाँ पे मैं चीज़ ड्रॉ करने जा रहा हूँ दैट इज सप्लाई का कर्व ठीक है तो यहाँ पे आपने एक चीज़ समझी डिमांड कर्व में कि जैसे जैसे अगर प्राइस बढ़ाओगे तो लेफ्टवर्ड से शिफ्ट होता रहेगा आपका जो डिमांड कर्व है और ये चीज़ हमेशा याद रखना कि इनमें लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड right शिफ्ट होता है कभी भी अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट नहीं होता इसमें जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है ना अपवर्ड शिफ्ट और सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं अपवर्ड डाउनवर्ड कभी नहीं होता है और राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड होता है राइट वर्ड शिफ्ट जिसको कि हम आउटवर्ड भी बोल देते हैं यानी कि जब हमारा ये जो डिमांड uh, कर्व है ना इसको डिमांड कर्व बोलते हैं ये इधर की तरफ शिफ्ट होता है तो उसको बोलते हैं राइट वर्ड या आउटवर्ड और जब ये इधर की तरफ होता है तो उसको बोलते हैं इनवर्ड या फिर लेफ्ट वर्ड ठीक है तो लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट या फिर इन वर्ड शिफ्ट ये कब होता है अगर मान लेते हैं किसी चीज़ की प्राइस बहुत बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जाएगी और ये जो डिमांड करे वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा एंड वाइस ए वर्षा प्राइस अगर घट रही है तो डिमांड जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो और बढ़ती जाएगी और वो राइट वर्ड शिफ्ट होता रहेगा इज दैट क्लियर अब यहाँ पर मैं डिमांड यहाँ पर एक प्लॉट करता हूँ सप्लाई कर्व बस आप ये बेसिक चीज़ों के एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा रहा हूँ आपको दिमाग नहीं लगाना है आप पहले बस समझिए चीज़ों को कि किस तरह से ये तो सबको पता है ना कि अगर दाम बढ़ेंगे तो आप कम चीज़ की डिमांड करेंगे अगर मान लेते हैं अभी जो भी प्याज का दाम चल रहा है या फिर किसी चीज़ का जो आप डेली यूज़ में लाते हैं चीज़ तो अगर उसका दाम बढ़ जाए मान लो एकदम से ठीक है जैसे प्याज हो गया या फिर चीनी हो गई एकदम से बढ़ जाए दाम तो आप कम चीज़ लेके आओगे ना कम खरीदोगे अब मुझे पता है कुछ लोगों के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा नहीं हम तो कम नहीं ख़रीदते हैं क्यों क्योंकि तुम अमीर घर से हो इसलिए हाँ अभी हम देखेंगे कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना उसके कुछ अदर मतलब उसमें ये हम ये एक प्रियजम्पन मानते हैं कि कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट मतलब बाकी फैक्टर भी कॉन्स्टेंट है बाकी फैक्टर क्या है अदर फैक्टर्स क्या है वो अदर फैक्टर भी लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में डाउट ना आए ठीक है अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट होंगे तब ये चीज़ लागू करेगी अदर फैक्टर कांस्टेंट जैसे फॉर एग्जांपल इनकम आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए अब मान लेते हैं कि आप अभी जब बीस रुपये किलो बीस रुपये पर किलो दाम था तो आप पाँच किलो ख़रीद रहे थे आज सौ रुपये हो गया तो भी आप पाँच किलो खरीद रहे हैं क्यों आपकी इनकम भी बढ़ गई ना इसलिए या फिर आप बहुत अमीर हैं तो आपकी अमीर तो नहीं बोलना चाहिए यहाँ पर सही रहेगा ये बोलना सही रहेगा कि आपकी इनकम भी बढ़ रही है ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट होनी चाहिए अगर मेरी महीने की तनख्वाह है तीस हज़ार रुपये खरीद रहा हूँ मैं बीस रुपए पर केजी के दाम पे पाँच किलो टमाटर तो अगर मेरी इनकम बीस तीस हज़ार ही रहेगी और अगर सौ रुपये दाम हो गया तो ऑब्वियस ये बात है मैं उसमें कम करूँगा अपना जो क्वांटिटी डिमांडेड है लेकिन अगर मेरा जो सैलरी वो भी बढ़ता जाएगा तो मैं फिर क्वांटिटी डिमांडेड भी जो है हो सकता है कि उसको भी क्वांटिटी डिमांडेड को मैं चेंज ना करूं कांस्टेंट रखूं तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि सारी चीज़ें जो जो काम करती हैं कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट इनकम उसका एक पार्ट है इनकम हो सकता है आपका और बाकी चीजें भी होती हैं ठीक है थीके? अभी बाकी चीज़ों पे आएंगे लेकिन आप ये आई थिंक समझ गए हो कि ये सारी चीजें जब तब काम करती हैं कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट सप्लाई कर्व पे आते हैं और एक चीज और यहाँ पर मुझे आपको बतानी है लेकिन उससे पहले सप्लाई कर्व को देखते हैं सप्लाई कर्व हम देखते हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर साइड यहाँ पर ये हम प्लॉट करते हैं जैसे वहां पर प्लॉट किया था प्राइस को और क्वांटिटी को क्वांटिटी डिमांडेड को और यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड को कर, करेंगे अब क्वांटिटी को सप्लाई कौन करता है डिमांड कौन करता है डिमांड मांग कौन उठाता है मांग उठाता है कंज्यूमर कंज्यूमर उठाता है और कंज्यूमर क्या देखता है अफोर्डेबिलिटी कंज्यूमर देखता है अफोर्डेबिलिटी कि उसको कितना अफोर्ड afford, अफोर्डेबल है वो चीज ठीक है तो डिमांड हम देखते हैं फ्रॉम द कंज्यूमर साइड एंड कंज्यूमर टॉक्स अबाउट द अफोर्डेबिलिटी एंड टॉकिंग अबाउट द सप्लाई ये होता है आपका फ्रॉम प्रोड्यूसर साइड फ्रॉम प्रोड्यूसर से साइड और वो क्या देखता है आपका वो देखता है प्रॉफिटेबिलिटी वो देखता है आपकी कि उसको कितना मुनाफा हो रहा है तो आप खुद सोचो अगर आज दाम है अगर आज दाम है किसी चीज़ का आज दाम है मान लेते हैं उसी सेम को प्लॉट करते हैं ये उसी सेम जो पीछे प्लॉट किए थे ना 20 और 50 और 100 आज दाम है टमाटर का 20 फिर मान लेते हैं पचास रुपये और एक केस ले लेते हैं जब है आपका सौ रुपये ठीक है थीके? अब सप्लाई की बात हो रही डिमांड की नहीं तो खुद बताओ मुझे कि जब किसी चीज़ के प्राइस कम होंगे तो जो बंदा मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टमाटर का थोक विक्रेता हूँ मैं बेचता हूँ टमाटर ठीक मुझे पता चला यार दाम ही नहीं मिल रहे हैं उसके तो टमाटर के जाते हैं बीस रुपये मुश्किल से किलो मिलते हैं तो मैं क्या सोचूंगा छोड़ो यार टमाटर प्याज का सही दाम चल रहा है आजकल प्याज को बेचते हैं यानी कि मैं क्वांटिटी जो सप्लाइड है ऑफ़ द टमाटर बीस रुपये किलो में वो कम रखूंगा कितनी रखूंगा फॉर एग्जांपल वो मैं सिर्फ एक किलो ही रखूंगा याद करिए यहाँ पे क्या था बीस रुपए पाँच किलो आ, मैं डिमांड कर रहा था ये भाई साहब जब बीस रुपए होता है तो मात्र एक ही किलो प्रोड्यूस करते हैं है ना तो क्या हो रहा है यहाँ पे डेफिसिट हो रहा है कि नहीं कमी हो रही है कि नहीं हो रही है ना अब ये रुको जरा अब पचास रुपये जैसे थोड़ा बढ़ा है यार सही दाम मिल रहा है तो चलो आप दो किलो दो दो किलो ये प्रोड्यूस करते हैं मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यानी दो किलो बेचते हैं ठीक है दो किलो प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे ये आपका पहले यहाँ पे था अभी यहाँ पे शिफ्ट हो गया ये ठीक है सौ रुपये अरे भाई साहब सही दाम चढ़ा है अभी दाम चढ़ा था ना तो ये लोग ने सोचा जल्दी जल्दी चलो और ज़्यादा बेचते हैं और ज़्यादा बेचते हैं पॉजिटिव स्लोपिंग कर बन गया पॉजिटिव स्लोपिंग लेकिन तुम्हारे मन में ये डाउट आ रहा होगा ऐसा तो सर नहीं होता है अब जैसे टमाटर के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े बहुत ज़्यादा बढ़े तो क्यों बढ़े क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड कम थी और अगर वो खुद सोचो अगर ये ज़्यादा बेचने लगेंगे वो सौ रुपये हो गए सौ रुपये हो गए तो ज़्यादा बेचते हैं ज़्यादा बेचते हैं तो जब ज़्यादा बेचेंगे तो जब ज़्यादा चीज़ आ जाएगी मार्केट में तो दाम अपने आप घट जाएंगे यानी कि चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं एक इक्विलिब्रियम पे चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं किस पे एक इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट होता है जैसे अभी मैंने बताया यहाँ पे यहाँ पे देखिए कि जब एक ये भाई साहब तो एक किलो ही माल डाल रहे हैं मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं जब बीस रुपये लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ ना मुझे पाँच किलो चाहिए क्योंकि प्राइस कम है तो यहाँ पे इस केस में बीस रुपये वाले के केस में क्या हो गया डेफिसिट हो गया मार्केट में सौ रुपये वाले केस में क्या हो गया सौ रुपये वाले में मैं मैं कम डिमांड कर रहा हूँ भाई साहब ज़्यादा ला रहे हैं सरप्लस हो जाएगा तो चीज़ें इन दोनों एक्सट्रीम्स में एग्जिस्ट नहीं करती हैं इक्वलिब्रियम एग्जिस्ट करती हैं इक्विलिब्रियम मींस टू से कि अगर ये दस रुपये वाला केस है ये पचास रुपये वाला केस है ये सौ रुपये वाला केस है ठीक है यहाँ पे एक किलो चीज़ है यहाँ पे दो किलो चीज़ है और यहाँ पर पाँच किलो मतलब टमाटर नॉट चीज़ टमाटर ठीक है तो हमने देखा था कि जो हमारा डिमांड कर्व था यहाँ पर देखिए डिमांड कर्व किस तरह से था कि सौ रुपये में एक वाला था ठीक है सौ रुपए में एक था फिर पचास में दो आया और फिर दस रुपये में मैं इतना डिमांड कर रहा था इस केस में क्या था इस केस में क्या क्या था सप्लाई वाले में सप्लाई वाले में कि जब दस रुपये था, तो था, था तो बीस रुपये था आई यहाँ पे के है ना बीस रुपये था तो बीस रुपये के केस में मैं सिर्फ मतलब जो सप्लाई कर रहा था वो सिर्फ इतनी कर रहा था ठीक है फिर उसने क्या किया दो रुपये जब दो किलो बिक रहा था मतलब दो रुप दो सॉरी जब पचास रुपये इसके दाम थे तो वो दो के प्रोड्यूस कर रहा था है? और मैं भी पचास रुपए में दो के जी ही डिमांड कर रहा था लेकिन जब आता है 5 ये वाला केस सौ रुपए वाला केस तो सौ रुपए केस में मैं सप्लाई तो हो भाई सब कर रहे हैं पा, पांच की लेकिन मैं डिमांड कितनी कर रहा हूं सौ रुपए वाले केस में मैं डिमांड तो एक ही कर रहा हूं यानी चीजें यहां पर एग्जिस्ट करेंगी इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कि वो दो किलो पचास रुपए और दो किलो वाली चीज उसमें अगर डिमांड कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है तो शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व राइट की तरफ होता है या दोनों लेफ्ट की तरफ होते हैं या दोनों राइट की तरफ होते हैं इस पर भी कोई क्वेश्चन आ चुका है तो चारों केस में इसमें शिफ्ट देखने को मिलेगा इक्विलिब्रियम पर इक्विलिब्रियम में चारों केस में शिफ्ट देखने को मिलेगा अगर डिमांड कर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाए मतलब या फिर ये दोनों कलेक्टिव मतलब ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाए राइट वर्ड शिफ्ट हो जाए दोनों लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाए या दोनों राइट वर्ड शिफ्ट हो जाए कुछ भी समझ रहे हैं आप ठीक तो ये केस है जब इक्विलिब्रियम आपका पॉइंट शिफ्ट होता है ये डिमांड कर्व था सप्लाई कर्व था अब यहां पे कुछ उस तरह के हम देख लेते हैं गुड्स जहां पे जहां पे ये जो हमारी चीजें हैं वो फेल हो जाती हैं एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पहले ये बताइए यहां तक सभी को क्लियर हुआ कि नहीं जो डिमांड और सप्लाई था सिर्फ बेसिक हमें पढ़ना है कि डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोपिंग है और वो लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट होगा कब शिफ्ट होगा वो हमने देखा नेगेटिव स्लोपिंग है सप्लाई कर्व एक पॉजिटिव स्लोपिंग है यानी कि डिमांड कर्व में क्या है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी सप्लाई कर्व में क्या है कि अगर चीज़ों के दाम बढ़ेंगे प्राइस बढ़ेंगे तो क्वान्टिटी जो सप्लाइड है वो ज्यादा बढ़ेगी यानी पॉजिटिव स्लोपिंग है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और अगर प्राइस कम हो जाएंगे तो जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी कम हो जाएगी पहले ये बताइए कि यहां तक सभी को क्लियर है कि नहीं और ये सब कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है जैसे कि आपकी इनकम हो गई ठीक है बाकी भी फैक्टर्स हो गए जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड भी ले सकते हैं ठीक है प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड और प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड का मतलब क्या हो गया प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड का मतलब ये है जैसे कि Uh, मैं यहाँ पे ख़रीद रहा हूँ क्या हम्म हूँ हु, एक सेकंड रुकिए मुझे सोचने दीजिए यहाँ पे मैं ख़रीद रहा हूँ बटर ठीक है तो मान लेते हैं बटर का ऑल्टरनेटिव चीज़ है ठीक है अब ये मैं कुछ बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता हूँ बटर चीज़ तो हो सकता है कि मेरी यहाँ पर अनोलॉजी थोड़ी सी गलत हो लेकिन आप समझ पाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ तो मान लेते हैं बटर का ऑल्टरनेटिव चीज़ बटर का दाम बहुत बढ़ गया बटर का दाम बहुत बढ़ गया ठीक है नॉट बहुत बढ़ गया बढ़ गया मान लेते हैं बढ़ गया ठीक है क्या हो गया बढ़ गया तो कायदे से इसकी डिमांड घटनी चाहिए थी लेकिन कि जो इसका ऑल्टरनेटिव है चीज़ उसका दाम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया इतना भयंकर बढ़ गया कि लोग जो चीज़ वाले भी थे वो भी यहाँ पे शिफ्ट हो गए और सिर्फ बटर ही बटर डिमांड कर रहे हैं क्योंकि अगर कंपेरेटिवली देखें तो बटर सस्ता मिल रहा है चीज़ से तो इस वजह से उसकी बिल्कुल कम हो गई तो इसकी वजह से अभी भी डिमांड नहीं घट रही है तो ये प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड कहलाता है ठीक है अभी हम आते हैं एक्सेप्शन पर अपवाद अपवाद हैं इसके कुछ गुड्स जिनको हम बोलते हैं गिफेन गुड्स या फिर वेब्लम गुड्स गिफेन गुड्स और गुड्स ठीक है फिर वेबलन गुड्स ये वो गुड्स होते हैं वो सामान होते हैं वो चीजें होती हैं जिनके लिए आप प्राइस बढ़ाते जाओ डिमांड भी कम नहीं होगी बढ़ती ही जाएगी क्यों होता है ऐसा वो समझिए वेबलन गुड्स वो होते हैं जो काफी लग्जरियस होते हैं लग्जरियस गुड्स होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कोई चीज है मान लेते हैं कि रोल्स वाइस है ठीक है अब रोल्स रॉयस को मैं देख रहा हूँ कि रोल्स रॉयस के तो जैसे रोल्स रॉयस है उसके प्राइस जो है बढ़ते जा रहे हैं कंपनी ने प्राइस बढ़ा दीजिए लेकिन फिर भी उसकी डिमांड बढ़ रही क्यों क्योंकि लोग खरीदते इसीलिए स्टेटस सिंबल के लिए कि जितनी महंगी कार उतना ही हमारा ज़्यादा स्टेटस होगा यानी ये वाली और बढ़ गई प्राइस तो चलो अब इसी को ख़रीदेंगे ताकि हमारा और स्टेटस अप हो आईफोन हो गया ठीक है आईफोन हो गया आपका ठीक है तो उससे क्या होगा कि और अगर, अगर मान लेते हैं इसका आईफोन का प्राइस बढ़ रहा है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो और बढ़ेगी क्यों क्योंकि ये स्टेटस सिंबल है तो जो लग्जरियस आइटम्स होते हैं उनके केस में ये होता है गिफ एंड गुड्स क्या ये नॉन लग्जरियस है नॉन लग्जरियस है तो फिर क्यों सर इनके वो प्राइस बढ़ रहे हैं लग्जरियस का तो समझ में आया लॉजिक थोड़ा सा लेकिन इसमें इस कौन सा लॉजिक है इसमें लॉजिक ये है फॉर एग्जाम्पल रुको जैसे कि मैं बोलूँ कि गेहूँ है नमक है प्राइस अगर मान ले तो कि गे, गेहूँ के बढ़ जाएंगे तो हम खाते क्या हम रोटी डेली हमारा जो कंजम्पशन है किसी चीज़ का गेहूँ का है रोटी हर कोई खाता है ना हमारे इंडिया में अगर देखें तो वीट एक ऐसी चीज़ है जिसके कंजम्पशन के बिना तो हम चल ही नहीं सकते हैं तो जो एक वीट है वो हमारे डेली कंजम्पशन का पार्ट है इसका चाहे प्राइस बढ़ेगा तो भी हम क्वांटिटी डिमांडेड अपनी कम नहीं कर देंगे हम क्वांटिटी डिमांडेड उतना ही रखेंगे जितना हम पहले डिमांड कर रहे थे ठीक है ऐसे खाना खाना तो बंद नहीं कर देंगे ना तो हम उतनी ही अपनी डिमांड को रखेंगे यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी कि गिफेन गुड्स और वेबलन गुड्स में अंतर क्या होता है ये लग्जरियस हैं ये नॉन लग्जेरियस हैं नॉन लग्जीरियस होने के बावजूद भी इनमें डिमांड जो क्वान्टिटी डिमांडेड उसमें डिक्रीज इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज ये डेली कंजम्शन की चीज़ें हैं और डेली कंजम्पन की अगर चीजें हैं तो अगर मान लेते हैं सॉल्ट की बहुत मतलब दाम बढ़ गए तो सॉल्ट थोड़ा सा डालते हैं ऐसा नहीं कि डालना उसको बंद कर देंगे राइट तो यहाँ तक तो सभी को क्लियर हुआ कि नहीं यहां तक किसी के कोई डाउट अजय <laughs> परमार हॉट अबाउट गोल्ड सर गोल्ड में क्या होता है गोल्ड में अगर प्राइस थोड़ा सा भी चेंज हुआ ना लोग बहुत उसमें वो दिखाते हैं अभी हम देखेंगे इलास्टिसिटी चलिए यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं अब इन्होंने जिक्र छेड़ी दिया है तो प्राइस इलास्टिसिटी का बट बिफोर दैट एक्सेप्शन आप समझिए एक्सेक्शंस में ये दो तरह के गुड्स होते हैं और भी एक्सेप्शन होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉर लाइक कंडीशन हो गई वॉर लाइक कंडीशन हो गई कुछ मतलब चीज़ें मिल ही नहीं रही हैं जैसे बिल्कुल मिली नहीं रही हैं जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इंडिया का पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाए और चीज़ों की शॉर्टेज हो जाए तो भी हम ऐसे नहीं कि जैसे कि कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ें जैसे कि मान लेते थे टमाटर वगैरह तो हम लेके आएंगे चाहे भले वो जितने है प्राइस में जैसे कि कोविड के टाइम पर हुआ था वो कोविड के टाइम एक कैसी थी एमरजेंसी सिचुएशन थी तो एमरजेंसी की सिचुएशन हो गई कुछ बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है फ़ैशन में चल रहा है जैसे फॉर एग्जाम्पल लपू सा और झींग सागर टी शर्ट वाली बहुत चल रही हैं मान लेते हैं छपरी टाइप के जो बच्चे हैं वो काफ़ी खरीद रहे हैं उसको तो फिर वो क्या है ट्रेंड में चल रही है तो प्राइस इसका जितना बढ़ेगा ना तो भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वो छपरी टाइप के जो बच्चे हैं वो उसको डिमांड कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ठीक है गोल्ड मैलिएबल हाँ बिल्कुल गोल्ड मैलिएबल है हाँ चलो 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 अभी यह इसमें बढ़ते हैं प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई कर्व बता दीजिए प्रशांत बार बार कमेंट कर रहे हैं सप्लाई कर्व में क्या है सप्लाई कर्व में जब प्राइस किसी चीज़ के बढ़ते हैं तो क्वांटिटी सप्लाइड क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ने लगता है क्यों क्योंकि सप्लाई करने वाला कौन है प्रोड्यूसर है और उसको अच्छा दाम चाहिए यानी ही लुक्स फॉर प्रॉफिटेबिलिटी तो उसको ये जब ये पता चलेगा कि यार दाम तो बहुत बढ़ रहे हैं धीरे धीरे जैसे अभी टमाटर के दाम बहुत बढ़ रहे थे तो ये क्या करने लगे ये अपने आप सप्लाई ज़्यादा लाने लगे अब सप्लाई ज़्यादा ना लगे ज़्यादा लाने लगे अपने आप इक्वली में चीज़ें आ जाएंगी ज़्यादा सप्लाई लाओगे तो डिमांड अपने आप घटती जाएगी उस चीज़ की मतलब डिमांड इन दी सेंस कि लोग तो उतना ही डिमांड कर रहे हैं ना तो क्या है कि जैसे जैसे लोग क्योंकि आप सप्लाई बढ़ा रहे हो चीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा थे ठीक है अब प्राइस बहुत ज़्यादा थे सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो बेचने वाले ज़्यादा हो गए अभी ठीक है तो धीरे धीरे क्या होंगे प्राइस कम होते जाएंगे क्योंकि चीज़ें ज़्यादा आने लगी प्राइस कम होने लगेंगे अपने आप चीज़ें इक्विलिब्रियम पर आके टिक जाएंगी ठीक है और इक्विलिब्रियम में शिफ्ट किस हिसाब से होता है लेफ्टवर्ड जब ये कर्व शिफ्ट होता है जब ये राइटवर्ड वर्ड होता है ठीक है दोनों लेफ्टवर्ड होते हैं फिर दोनों राइटवर्ड वर्ड होते हैं ठीक है अब यहाँ पे आते हैं प्राइस इलास्टिसिटी क्या चीज़ होती है ये ठीक है प्राइस इलास्टिसिटी ये क्या चीज़ होती है इसका मतलब होता है हम बोल सकते हैं मांग की लोच हिंदी में बोलते हैं लोच ना वॉट इज दिस लोच अभी एक चीज़ मुझे याद दिलाना मुझे आपको ये जो डिफरेंट तरह की जैसे डिमांड्स होती हैं प्रिकॉशनरी डिमांड ट्रांजेक्शन आपकी ट्रांजेक्शन और स्पेकुलेटिव डिमांड ये सब मुझे बतानी है वैसे तो मैं आपको बताऊँ बता दूंगा अभी क्वेश्चन भी इन पे आएंगे बट पहले मुझे आपको प्राइस इलास्टिसिटी समझाना है उसके बाद उन सारी चीज़ों पे आएंगे ठीक है तो वॉट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी इस इसका मतलब होता है लोच इलास्टिक का मतलब क्या होता है मतलब किसी चीज़ को खींचा जा सके यही तो हम बेसिक सेंस तो यही हम समझते हैं ना इलास्टिक का मतलब होता है किसी चीज़ को आसानी से स्ट्रेच किया जा सके है ना तो अभी हम देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी होती क्या है प्राइस इलास्टिसिटी होती है कि प्राइस में चेंज होने पर ठीक है प्राइस में जो चेंजेस होते हैं वो किस तरह से डिमांड में चेंजेस को अफेक्ट करते हैं डिमांड में चेंजेस को अफेक्ट करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस गोल्ड का थोड़ा सा गोल्ड का प्राइस चलो गोल्ड छोड़ो तुम नमक और शक्कर लेते हैं ठीक है यानी कि शुगर और सॉल्ट लेते हैं शुगर और सॉल्ट आप मुझे खुद बताइएगा शुगर के किस या सॉल्ट केस में अगर मैंने प्राइस बढ़ा दिए इसके सेम परसेंटेज से टेन परसेंट से शुगर का प्राइस बढ़ाया टेन परसेंट से सॉल्ट का प्राइस बढ़ाया किसमें डिमांड में, में ज़्यादा डिक्रीज होगा ये बात तो है डिमांड डिक्रीज होगी प्राइस बढ़ने पर अभी देखा किसमें ज़्यादा होगी ये बताइए मुझे शुगर में या सॉल्ट में ये मुझे सभी लोग कमेंट करके बताएंगे और आप समझ जाएंगे प्राइस इलास्टिसिटी होती क्या है मैंने प्राइस में चेंज किया तो डिमांड में चेंज तो हुआ दोनों में किसमें ज्यादा हुआ इसमें तो बताइए किसमें हुआ तो सिंपल सी बात यह है कि सॉल्ट में तो ना के बराबर होगा शुगर में ज्यादा होगा घर में क्या लॉजिक दिया जाएगा आपको कि बेटा शुगर खाने से डायबिटीज हो जाती है इसलिए कम चीनी खाया करो लेकिन असली रीजन क्या है प्राइस बढ़ गया है सॉल्ट में कभी बोला गया आपको सॉल्ट में कभी आपने सुना है कि सॉल्ट कम खाया करो सॉल्ट का प्राइस बढ़ जाए क्योंकि सॉल्ट बहुत ही कम यूज़ होता है ठीक है लेकिन और डेली और काफ़ी कंपलसरी भी है वो शुगर कम्पल्सरी नहीं है अब अगर मान लेते हैं कि मान लेते हैं जो सब्जी है ठीक है अब जैसे कि फॉर एग्जांपल दूध है दूध में कुछ कुछ लोगों को या फिर ज, ज, जो चाय बनती बहुत ज़्यादा चीनी पसंद है ठीक है लेकिन सब्जी वगैरह हम बात करें तो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्ट पड़ता है नहीं भी रहेगा तो भी दिक्कत है ज़्यादा रहेगा तो भी दिक्कत है तो इसमें कम चेंज आया इसमें बहुत ज्यादा चेंज आया यानी कि इसकी इलास्टिसिटी कम थी इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा थी समझिए इलास्टिसिटी क्या है प्राइस में चेंज होने पे डिमांड में किस हिसाब से चेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी ये नेगेटिव होती है यूजुली नेगेटिव होती है यूजली नेगेटिव क्यों क्योंकि अभी देखा एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर जैसे कि वेब्बलम गुड्स और गिफरेंट गुड्स जो हैं वो आपके आ, क्या होते हैं कि उनमें चेंजेस नहीं होते हैं तो वो फिर हमारे क्या हो गए कि वो थोड़े से एक्सेप्शन वाली कैटेगरी में आ जाएंगे बट यूजअली नेगेटिव होता है इसका एक फॉर्मूला भी होता है वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं बट फिर भी मैं लिख देता हूँ दैट इज़ नेगेटिव ऑफ परसेंटेज ऑफ चेंज इन मतलब नीचे डिनोमेटर में रखेंगे परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस और उसके प्रपोर्शन में कितना चेंज इन डिमांड हो रहा है ठीक है ये होता है इसका फॉर्मुला नेगेटिव इसलिए सिंबल लगाया बिकॉज पहले से ही वो नेगेटिव है नेगेटिव स्लोपिंग है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव लगाया बट उतना ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है अब यहां पे हम कुछ डिफरेंट तरह के चीजें देखेंगे यानी परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है परफेक्टली इन इलास्टिक क्या होता है बिकॉज इस इसपे क्वेश्चन आते हैं ठीक है परफेक्टली इलास्टिक देखो एक तो हो गया कि इलास्टिक का मतलब है यूनिटरी इलास्टिक चलो वो खैर छोड़ो अभी परफेक्टली देखो आप ठीक है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड अब मैं जब बोलता हूँ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इसका मतलब क्या है डिमांड इलास्टिक है और वो भी परफेक्टली है यानी बहुत भयंकर तौर से डिमांड में चेंज हो रहा है प्राइस को चेंज करने पे प्राइस को जरा सा चेंज कर रहे हैं और बहुत ही भयंकर यहाँ पे डिमांड में चेंज हो रहा है यानी कि प्राइस तो आप बोल दो नेग्लेजिबल चेंज हो रहा है डिमांड में तो बहुत ही बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहा है तो यानी ये जो कर्व है वो कुछ इस तरह का बनेगा समझ रहे हैं कि ये हो गया आपका इस साइड जो है डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड और ये हो गया आपका प्राइस मैंने प्राइस में ज़रा सा चेंज किया इतना चेंज किया कि ना के बराबर तो उसको दिखा भी नहीं सकते हैं लेकिन डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया ठीक है वो वो गुड्स हो सकते हैं जो कि बहुत ही लोगों की लीस्ट प्रेफरेंस चीज़ें हैं ठीक है ज़्यादा वो चाहिए नहीं तो अगर ज़्यादा उसके ज़रा सा भी प्राइस बढ़ा दोगे ना तो लोग बोलेंगे हटो यार वैसे भी हमें चेंज लग रही थी हम नहीं खरीदेंगे इतने में ठीक है दूसरा यहाँ पर मैं लिखता हूँ परफेक्टली इलास्टिक के बाद है आता है रिलेटिवली इलास्टिक रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड ठीक है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड ये किस तरह की डिमांड होती है रिलेटिवली इलास्टिक इसमें ये होता है कि प्राइस थोड़ा सा बढ़ा प्राइस में थोड़ा सा चेंज हुआ और डिमांड क्या है काफी ज्यादा बढ़ गई प्राइस में थोड़ा सा चेंज हुआ और डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं प्राइस P1 है और ये प्राइस जरा सा चेंज किया P2 लेकिन क्या हुआ उसकी वजह से उसकी वजह से यह हुआ कि डिमांड बहुत ज्यादा एकदम से शार्प डिक्लाइन हो गया ठीक है मान लेते हैं यह इस तरह से हुआ एक सेकेंड ये पीवन है क्वान्टिटी डिमांडेड इतनी है और एकदम से क्या हुआ एकदम से ये हो गया डिमांड यहां से यहां पहुंच गई सर और यहां पे देखिए मैंने प्राइस में कितना चेंज किया मैंने प्राइस में जरा सा इतना सा चेंज किया है और ज़रा देख लीजिए कितना ज़्यादा चेंज हो गया है डिमांड पे। इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड ध्यान समझ से समझते जाइएगा अभी लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा आपसे ठीक है जो सी एच एस एल में पूछा गया और वो क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब इसको आप समझ पाएंगे ठीक है परफेक्टली इलास्टिक और रिलेटिवली इलास्टिक आप समझ गए परफेक्ट का मतलब है कि एकदम ऐसे समझ लो कि जो डिमांड है वो इन्फिनिटी है इन्फाइनाइट है जरा सा प्राइस चेंज कर रहे हैं तो डिमांड एकदम इनफाइनाइट यानी बहुत ही भयंकर रिलेटिवली इलास्टिक में क्या है कि थोड़ा सा चेंज इसका एग्जाम्पल आप गोल्ड ले सकते हो सोना ठीक है सोने में जरा सा प्राइस में चेंज करो डिमांड में काफी ज्यादा अंतर आ जाता है अब हम यहाँ पे देखते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक क्या देखते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक इन इलास्टिक डिमांड नाउ वर्डिंग्स पे आप जाओ अपने आप याद हो जाएगा डिमांड इन इलास्टिक है ना डिमांड में कोई इलास्टिसिटी नहीं कोई लोचपना ही नहीं है हम प्राइस चेंज कर रहे हैं डिमांड सो रही है बैठ के कुछ कर ही नहीं रही है ये है डिमांड खड़ी हुई है वहीं पे डिमांड डिमांड जो है वहीं पे खड़ी हुई है चेंज ही नहीं हो रही है प्राइस मैं चेंज करता जा रहा हूं कभी ये प्राइस रख रहा हूं कभी ये प्राइस रख रहा हूं कभी ये रख रहा हूं कभी ये रख रहा हूं पहुंचा डिमांड वहीं की वहीं टस से मस नहीं हो रही खड़ी हो गई एकदम चट्टान के तौर पर तो ये क्या बोला जाएगा ये बोला जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड समझ रहे हैं यहां पर डिमांड क्या है जीरो अगर हम देखें वहां इन इंफिनिटी थी परफेक्टली इलास्टिक में परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस में क्या है ग्राफ वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल है और परफेक्टली इन इलास्टिक केस में ग्राफ हॉरिजॉन्टल है सिंपल क्लियर हो गया हॉरिजॉन्टल यहां बन रहा है अब दूसरा ले, ले लेते हैं रिलेटिवली 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 इन इलास्टिक रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है डिमांड इन इलास्टिक है लेकिन रिलेटिवली परफेक्ट नहीं है परफेक्ट का मतलब हो गया कि परफेक्टली वहीं खड़ी हो गई टस्ट से मस नहीं हो रही है लेकिन यहाँ पे क्या है हो रही है थोड़ी सी हो रही है ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी सी हो रही है जब आप प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज करोगे ना P1 से P2 लेके आओगे तब जाके कहीं ये हो सकता है इस तरह से डिमांड हो जाए यानी कि डिमांड पहले अगर इतनी थी D1 तो अभी D2 हो गई D2 हो गई कितना चेंज हुआ इतू सा प्राइस में कितना चेंज हुआ उत्ता सा देखा आपने तासा। तो पी वन से पी टू बहुत चेंज हुआ डी से D2 डी टू बहुत फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोल दूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जो आपकी बहुत ही जरूरत की चीज़ें हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल वही गेहूँ वाला आप एग्जाम्पल चावल वाला एग्जाम्पल ले सकते हो चावल ठीक है यहाँ पे आप राइस का इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हो वैसे राइस तो आपका गिफिन गुड्स में आएगा बट फिर भी बोल सकते हैं कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती कि राइस है चावल जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया में है भाई रोटी के बिना तो काम नहीं चल पाएगा लेकिन चावल चलो ठीक है ना चावल नहीं बनाएंगे है ना अगर बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गया थोड़ा सा हम क्वान्टिटी डिमांडेड कम कर देंगे तो रिलेटिवली इन इलास्टिक हो गया मुझे जो, जो दो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ बस एक चीज़ और बस एक चीज़ और अब आप, आप इसको बताइएगा पहले तो ये मुझे क्वेश्चन बताइए कि आप वेब्लम गुड्स को इसमें किस में रखेंगे जो वेबलम गुड्स हैं वेबलैन गुड्स अभी मैंने आपको बताया था वो गुड्स होते हैं लग्जरियस गुड होते हैं जिनमें आप कुछ भी प्राइस में कर लो मैं नहीं बताऊंगा वो नहीं तो फिर तुम तुरंत ही कर लोगे खुद से रिकॉल करो वेबलैन गुड्स क्या थे और उसको आप किस में रखेंगे परफेक्टली इलास्टिक में रखेंगे रिलेटिवली इलास्टिक में रखेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक में रखेंगे रिलेटिवली इलास्टिक में रखेंगे बताइए वेबलन गुड्स को तो वेबलन गुड्स को आप किस में रखेंगे वेबलन गुड्स आपके क्या थे वेबलन गुड्स आपके वो लग्जरियस गुड्स थे जिन पे आप चाहे कुछ भी कर लो ठीक है आप प्राइस बहुत बढ़ा दो फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड कम ही नहीं हो रही है क्योंकि अमीर लोग खरीदते हैं इनको और उनको फर्क नहीं पड़ता है तुम पाँच हज़ार दस हज़ार कुछ बढ़ा दो ना फर्क ही नहीं पड़ता है वेबलन गुड्स में दैट मीन कि डिमांड वहीं की वहीं खड़ी हुई है डिमांड वहीं की वहीं खड़ी हुई है प्राइस में चाहे जितना चेंज कर लो तो इसको कहीं कही ना कहीं हम वेबलन गुड्स के केस में ये बोला जा सकता है कि जो डिमांड है वो परफेक्टली इन इलास्टिक है ठीक है अब एक तुमको मैं कौन से पहले मैं पे देख लेता हूँ किस किसने सही आंसर दिया परफेक्टली इलास्टिक बिल्कुल सही सभी ने सही आंसर दिया सही आंसर दिया और ये क्वेश्चन आ जाएगा ना ये क्वेश्चन आ जाएगा ना कौन सा प्रियांशु चौधरी बोल रहे हैं ग्राफ के रिगार्डिंग क्या आपको लग रहा है इसमें क्या मतलब दिक्कत है इसमें हुँ? मैं नहीं बताऊंगा अच्छा हम तो तुम्हारे ही उत्तर के इंतजार में बैठे थे नीतीश अब तुम नहीं दोगे तो कैसे चलेगा आगे तो हम बढ़ ही नहीं पाएंगे चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं दैट इज़ स्पेक्यूलेटिव डिमांड ये क्या होता है स्पेक्यूलेटिव डिमांड देखो इसको बताने से पहले और ये अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया क्वेश्चन अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ना इस पर पूछा है लेकिन वेबलैन गुड वाला पूछ लेगा तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर वो चीज़ बन जाएगा आपका ठीक है अच्छा क्वेश्चन बनेगा पीपल ध्यान रखना यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको पीपल होल्ड मनी फॉर थ्री पर्पसेस तीन पर्पस के लिए लोग अपने मनी को होल्ड करके रखते हैं और एक चीज़ और बतानी थी मुझे रुक जाओ पहले इस चीज़ को बताने से पहले दैट इज़ कि एक चीज़ मुझे वो बतानी थी दैट वॉज़ इनकम इलास्टिसिटी ठीक है जिस तरह प्राइस इलास्टिसिटी देखा उस उसी तरह इनकम इलास्टिसिटी देखते हैं ये क्या होता है तो ये कोई अब कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है आपके लिए डिमांड इलास्टिसिटी क्या थी या फिर सॉरी प्राइस इलास्टिसिटी क्या थी प्राइस बढ़ने पे डिमांड में चेंजेस इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी इनकम बढ़ने घटने में डिमांड में चेंजेस तो मुझे बताइए ये कैसा होगा पॉजिटिव के नेगेटिव होगा इनकम बढ़ेगी तो डिमांड ज्यादा बढ़ेगी कि कम होगी बढ़ेगी सर पॉजिटिव स्लोपिंग हो जाएगा अपने आप खत्म इनकम घट रही है डिमांड भी कम होती जाएगी पॉजिटिव स्लोपिंग डायरेक्टली जो प्रपोर्शनल होता उसको है उसको पॉजिटिव स्लोपिंग बोलते हैं ठीक है पॉजिटिव स्लोपिंग सिंपल ये हुई आपकी इनकम इलास्टिसिटी एक होती है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ये क्या होती है क्रॉस प्राइस प्राइस इलास्टिसिटी ये वो होती है कि अगर मान लेते हैं कि कोई गुड है एक्स ठीक है उसका प्राइस मान लेते हैं कि बहुत बढ़ रहा है बहुत बढ़ रहा है उसका डिमांड घट जाएगी सिंपल अभी देखे थे लेकिन इसका एक सब्सटिट्यूट है वही जब मैं बोल रहा था कि मान लेते हैं बटर है ये मान लेते हैं बटर है या फिर मान लेते हैं कि Uh, न, 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 जैम और जेली अलग अलग होते हैं ना शायद <laughs> अगर अलग होते हैं तो मान लेते हैं जैम और जेली एक दूसरे के श, आ, सब्सिट्यूट हैं तो जैम है ये बहुत प्राइस बढ़ गए क्वांटिटी दि, डिमांडेड दि, कम हो जाएगी हम ज़्यादातर लोग क्या हो जाएंगे वो जेली में शिफ्ट हो जाएंगे जेली लगाने लगेंगे ब्रेड के बीच में ठीक है तो यानी कि इस पर इसके डिमांड पर क्या हो जाएगा इसके डिमांड पे इनक्रीज़ होने लगेगी यानी कि इसकी डिमांड इनक्रीज़ हो रही है ठीक है और इसकी ड, इसकी डिमांड बढ़ इसकी प्राइस बढ़ने की वजह से इसकी डिमांड बढ़ रही है इसके प्राइस बढ़ रहे हैं तो इसकी डिमांड घट रही है बट इसकी डिमांड बढ़ रही है प्रोडक्ट वाई की ठीक है यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी आपका किस तरह से बनेगा कि अगर प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट मान लेते हैं कोई कुछ भी प्रोडक्ट है उसका डिमांड बढ़ने से उसका जो सब्सीट्यूट प्रोडक्ट है सॉरी जो प्रोडक्ट ए कोई ए है उसका प्राइस बढ़ने से जो सब्सीट्यूट प्रोडक्ट है उसका डिमांड बढ़ रहा है ट मीन की अगेन आपका किस तरह से बनेगा पॉजिटिवली अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखें तो पॉजिटिव यह बनेगा ठीक है बट ये कभी ज्यादा पूछा नहीं जाता है यूजली आपका प्राइस वाला पूछा जाता है प्राइस इलास्टिसिटी वाला इनकम इलास्टिसिटी वाला उतना नहीं पूछा नहीं क्रॉस प्राइस इलास्टिस वाला ठीक है अभी हम आते हैं दैट इज पीपल होल्ड मनी फॉर थ्री पर्पसेज उस वाले कॉन्सेप्ट पीपल होल्ड मनी फॉर थ्री पर्पसेज तीन पर्पज के लिए लोग अपनी मनी को होल्ड करते हैं पहला होता है ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए सिंपल आप क्यों रखते हैं ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए रखते हैं कि भाई ट्रांजेक्शन वगैरह कुछ करना पड़ेगा मान लेते हैं कि दूध वाला आ जाएगा कि दूध के पैसे दो अखबार वाला आ गया कि अखबार के पैसे दो तो उसके लिए रखते हैं एक होता है प्रिकॉशनरी मोटिव प्रिकॉशनरी मोटिव प्रिकॉशन लेने के लिए मतलब फॉर एग्जाम्पल कल को कुछ ऐसा घर में एमरजेंसी हो गई कि, कि किसी की हेल्थ बहुत खराब हो गई एकदम से या फिर किसी का एडमिशन करवाना है घर पे तो बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है तो उस केस में हम प्रिकॉशन लेते हुए आगे कि की फ्यूचर की जो हमारी डिमांड और सप्लाई है फिर फ्यूचर की जो हमारी रसीट कल हम लोगों ने लोग ना रसीट का मतलब क्या होता है इनकम और एक्सपेंडिचर फ्यूचर के जो हम रसीट और एक्सपेंडिचर को देखते हुए अपने पैसे को अपने पास रख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज प्रिकॉशनरी मोटिव एंड द थर्ड इज स्पेक्यूलेटरी मोटिव जिस जिसपे कि रिपीटेडली अभी रिसेंट में क्वेश्चन पूछे गए एस एस पे स्पेकूलेटिव मोटिव स्पेक्यूलेटिव मोटिव ये होता है जब हम स्पेक्यूलेशन करते हैं ना वॉट इज द स्पेक्यूलेटिव मोटिव ठीक है स्पेक्यूलेटिव मोटिव इसका मतलब क्या होता है स्पेक्युलेटिव मोटिव का स्पेकुलेटिव मोटिव का मतलब होता है कि ये थ्योरी दी थी जॉन मेनार्ड किनिस ने ठीक है जे एम किनिस करके एक थे हमारे इकोनॉमिस्ट काफी बड़े जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना था फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स की अगर कर बात करें तो एडम स्मिथ है जे एम किनिस को इन जनरल हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं इन्होंने दिया था स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी ठीक है उन्होंने रखा था जो थ्योरी रखा था दैट वॉज कॉल्ड एज स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी ये जो थ्योरी है वो ये बोलती है कि लोग अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो पैसा ज़्यादा रखते हैं स्पेक्यूलेटिव डिमांड का मतलब होता है पैसे को अपने पास रखना बात खत्म पैसे को अपने पास रखना दैट इज़ कॉल्ड एज स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी बात ख़त्म अब मैं तुमसे पूछता हूँ इंटरेस्ट रेट कम है अब आप, आप बताओगे मुझे कि स्पेकुलेटिव डिमांड किस केस में कम होगी किस केस में ज़्यादा होगी ठीक है इंटरेस्ट रेट कम चल रहे हैं कम चल रहे हैं मेरे पास पचास हजार रुपए पड़ा हुआ है इंटरेस्ट रेट कम है यानी कि अगर मैं किसी को ब्याज में पैसा उठाऊँगा पचास हजार अपना तो मुझे उतना अच्छा रिटर्न नहीं नहीं मिलेगा मान लेते हैं कि आ, दो परसेंट का इंटरेस्ट रेट चल रहा है क्या ही हो जाएगा यार दो परसेंट में पहला केस दूसरा केस ये बढ़ के दस परसेंट हो गया इंटरेस्ट रेट यानी कि ज़्यादा हो गया इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा यानी अगर अब मैं ये अपना पैसा जो मेरे पास है जो मैंने होल्ड करके रखा था होल्ड पर्पज़ तीन परपज़ के लिए किया जाता है एक तो जो डेली ट्रांजेक्शन्स हो गए एक प्रिकॉशनरी मोटिव फ्यूचर का आप प्रिकॉशन लेके यानी यहाँ पे कीवर्ड है फ्यूचर फ्यूचर का आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि कुछ आप कभी नीड हो सकती है स्पेकुलेटेड डिमांड क्या है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वाला एंगल आ जाता है कि अगर मेरे पास अगर इंटरेस्ट रेट कम है अगर इंटरेस्ट रेट कम है ठीक है तो आप मुझे बताओ कि स्पेकुलेटेड डिमांड कम होगी या ज़्यादा होगी और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो कम होगी कि ज़्यादा होगी यानी मेरे पास पचास हजार रुपये पड़ा हुआ है इंटरेस्ट रेट उसमें कम मिलेगा तो मैं उसको पैसे को ज़्यादा उठाऊंगा ब्याज पे या फिर कम उठाऊंगा बताइए और स्पेकुलेटिव डिमांड का मतलब है पैसे को अपने पास रखना तो इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा कम होगा तो मुझे उस पर कोई रिटर्न मिलेगा नहीं तो मैं क्या मतलब क्या बेवकूफ़ हूँ कि मैं फालतू में अपने पैसे को पहले तो रिस्क में डालूँ किसी को दे के आप तो जानते हो किसी को पैसा देना मतलब रिस्क लेना अब वो मैं रिस्क इसलिए लू ताकि मुझे दो परसेंट का रेट मिल जाए मतलब ब्याज मिल जाए ऐसा तो मैं करूंगा ही नहीं यानी कि पैसे को अपने पास रखूंगा मैं यानी कि स्पेक्यूलेटिव डिमांड विल बी हाई वैसे वर्षा इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होगा तो मैं सोचूंगा इसी इसी दिन के लिए तो बस रख रखा था मैंने पैसा अब ब्याज पे उठाते हैं बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा यानी पैसा कम रखूंगा यानी स्पेकुलेटिव डिमांड कम होगी लेस ठीक क्लियर है सभी को किसी को कुछ डाउट किसी को कुछ भी डाउट हो बता दो यहाँ तक स्पेकुलेटेड डिमांड समझ में आया कि नहीं क्योंकि इस पर अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ और क्वेश्चन पता है इस कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट मर्ज है ये जो अभी बताए थे ना ये इन इलास्टिक इलास्टिक और इस पर मर्ज है ये क्वेश्चन पहले ये बताओ कि क्लियर है क्लियर okay. ओके अभी यहां पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं ठीक है एक क्वेश्चन यहां पे आप करेंगे क्वेश्चन uh, कहाँ गया रुकना जरा एक ये करो। फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी पैसों की सट्टा मांग अभी इसको एक्चुअल में सट्टा ही बोलते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड का मतलब ये कि जॉन मेनार्ड कैनिस ने यह बोला था फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ने कि लोगों की सट्टा वाली प्रवृत्ति होती है ये क्या करते हैं कि बहुत ही ताक में बैठे रहते हैं कब इंटरेस्ट रेट बढ़े तुरंत पैसा दें कब इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा घटे पैसा होल्ड कर लेते हैं यानी ये स्पेकुलेट करते हैं इंटरेस्ट रेट को और उस हिसाब से पैसे को लेंड करते हैं या फिर अपने पैसे को अपने पास होल्ड करते हैं ये बोला था कि लोगों की सट्टा वाली प्रवृत्ति होती है B. सर so, आप इन इलास्टिक तरीके से परफेक्टली रोज करते हो अच्छा B B B B B B बी ओके इट इज रिलेटिवली इंटरेस्ट इलास्टिक इंटरेस्ट इलास्टिक बिल्कुल अब देखो इंटरेस्ट इलास्टिक वहां क्या पढ़ रहे थे डिमांड इलास्टिक रिलेटिवली डिमांड इलास्टिक जब मैंने बताया था तो उसका मतलब क्या था रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का इसका मतलब यह था प्राइस में प्राइस में जरा सा चेंजेस करो डिमांड बहुत ज्यादा चेंज होगी वो क्या था वो क्या था वो था रिलेटिवली रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड थी वो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड थी वो ये क्या बोल रहा है रिलेटिवली इंटरेस्ट इलास्टिक यानी कि सब कुछ इंटरेस्ट का चल रहा है इंटरेस्ट इलास्टिक इंटरेस्ट इलास्टिक इंटरेस्ट इलास्टिक इंटरेस्ट इलास्टिक यानी कि जब वहां पे मैं इलास्टिक डिमांड की बात कर रहा था तो मैं राइट right साइड में उसको प्लॉट कर रहा था ठीक है तो मैं कुछ इस तरह से इसको बोल सकता हूं कि जरा सा जरा सा अगर मैं चेंज करूंगा किस में जरा सा इंटरेस्ट रेट में चेंज करूंगा जैसे जरा सा चेंज किया मैंने तो उसके केस में क्या होगा स्पेकुलेटिव डिमांड बहुत बढ़ जाएगी यानी कि जरा सा इंटरेस्ट रेट कम हुए नहीं कि लोग ज्यादा उसको होल्ड करने लगे भाई नेगेटिव स्लोपिंग क्यों है क्योंकि समझ गए आप क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो लोग होल्ड ज़्यादा करेंगे स्पेक्यूलेटिव डिमांड ज़्यादा होगी और अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होंगे तो स्पेक्यूलेटिव डिमांड कम हो जाएगी ये जरा सा प्राइस लेवल चेंज करने में ये होता है इसलिए परफेक्टली तो हो नहीं सकता है होता है एक सिचुएशन पे वो अभी हम देखेंगे उसको बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप ठीक है trap, उसको हम सिचुएशन को बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप लिक्विडिटी ट्रैप वो सिचुएशन होती है अभी हम देखेंगे क्या होती है बट अभी के लिए अभी अब स्किप करो लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है लोग अपनी अलग ही स्पेकुलेशन लगाते हैं कि अब डिफ्लेशन आने वाला है ये सारी चीज़ें आने वाली है वो अभी हम देखेंगे लेकिन आई होप इतना अभी वाला आप समझ गए स्पेकुलेटिव डिमांड का मतलब है कि जरा सा आप इंटरेस्ट रेट में आपने चेंज किए नहीं कि उसके प्रपोर्शन में डिमांड जो स्पेकुलेटिव डिमांड वो बहुत बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी ठीक है ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ठीक अब यहां पे आ, पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ाऊं उससे पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं ठीक है ताकि इससे होगा कि क्या कि थोड़ा सा लोग का जो अभी एकदम से फ्लो 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 में काफ़ी सारी चीज़ें हो सकता है समझ में ना आए एकदम से तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये आपको एश्योरेंस मिल जाए कि हाँ जो हम लोगों ने चीज़ें करी वो हम समझ गए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे बहुत छोटा सा टॉपिक एंड दैट इज जो डिफरेंट टाइप्स की मार्केट होती हैं डिमांड फॉर मनी अराइजेज मेनली ड्यू टू दी अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर रिसीट्स एंड एक्सपेंसिस वही जो अभी आपको बता रहा था पैसे की मांग मुख्य रूप से भविष्य की प्राप्तियों और खर्चों की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है इसको क्या बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक अभी परफेक्टली इलास्टिक का रिलेटिव में डिफरेंस एक्सप्लेन कर दो शुभम गोयल बोल रहे हैं बिल्कुल क्यों नहीं परफेक्टली इलास्टिक में शुभम क्या होता है फिर जो भी जिनका भी डाउट है परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि आप प्राइस में कुछ भी चेंज कर लो डिमांड नहीं चेंज होगी डिमांड वहीं की वहीं है ना तो कम हो रही ना तो ज़्यादा हो रही कुछ नहीं हो रहा उसका हिल तक नहीं रही है वहाँ से रिलेटिव का मतलब है कि थोड़ा सा थोड़ा सा प्राइस आप रिलेटिव अगर वो कम करोगे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एकदम से वो हो जाएगी जरा सा आपने क्या किया जरा सा आपने इसमें किया था प्राइस में चेंज ठीक है मान लेते हैं ये प्राइस पी वन था ये प्राइस पी टू था आपने जरा सा ही चेंज किया था लेकिन देखो कितना भयंकर चेंज आ गया डिमांड यहां से यहां पे आ गई डिमांड ठीक है मतलब इसके बीच का जो चीज़ होगा वो, वो इसके बीच इन दोनों के बीच का चीज़ ये होगा जिसको यूनिटरी इलास्टिक बोल सकते हैं यूनिटरी इलास्टिक का मतलब जितना आप प्राइस में चेंज कर रहे रह हो जितना फॉर एग्जाम्पल प्राइस में चेंज कर रहे हो यहाँ से यहाँ उतना ही आपका डिमांड में भी चेंज आ रहा है ये हो गया यूनिटरी इलास्टिक परफेक्ट का मतलब है कि डिमांड इनफाइनाइट है चाहे तुम कुछ भी कर लो हम तो उतना ही करेंगे डिमांड यहाँ पे क्या ज़्यादा सा प्राइस में चेंज में ज़्यादा आपका डिमांड में चेंज हो रहा है यहाँ आंसर क्या होगा आंसर होगा यहाँ पे देखो ट्रांजैक्शन पर्पज़ के लिए तो है नहीं है ठीक है स्पेकुलेशन ये स्पेकुलेशन वाला भी पर्पज नहीं है स्पे्यूलेशन उनमें देखा था क्या होता है है ना वो सट्टा बाजार वाला है ये होगा आपका प्रिकॉशनरी ठीक है जब हम कोई प्रिकॉशन ले रहे हैं और एक चीज़ अभी मैं आपको और समझाऊंगा दैट इज ऑपर्चुनिटी कॉस्ट हर चीज़ की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जैसे कि अभी जो मैंने आपको स्पेकुलेटिव डिमांड पढ़ाया ना ये जो मैंने आपको पढ़ाया स्पेकुलेटिव डिमांड स्पेकुलेटिव डिमांड इसमें हम क्यों हम क्यों इंटरेस्ट रेट कम होने पे पैसे को होल्ड करते हैं इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने पर उसको लेंड कर देते हैं बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व है इसमें यहीं से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझ लो यानी कि अगर मैं अपने मैंने देखो जब आप कोई ज़िंदगी में जब कोई भी डिसीजन लेते हो तो आप उसके प्रोज और कौन समझते हो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एग्जाम्पल देता हूँ मैं एग्जाम्पल देता हूँ एग्जाम्पल देता हूँ रुको एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मिल रही है जॉब ए ठीक है ये जॉब मिल रही है आपको तीस हजार ठीक है ये जॉब मिल रहा था आपको तीस हजार लेकिन आपने इस जॉब को छोड़ दिया आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब बी की मान लेते हैं आपकी कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब थी तीस हज़ार रुपये महीने की इनकम थी लेकिन अब आप कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन क्यों क्योंकि आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है मतलब आपको लग रहा है एक तो सैलरी हमारी पचास हज़ार प्लस होगी जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं साठ हज़ार होगी प्लस जॉब सिक्योरिटी होगी प्लस मोटा दहेज होगा ठीक है तो इस फैक्टर को हटा देते हैं बिकॉज दहेज लेना व देना दोनों पाप है ठीक है तो साठ हजार और जॉब सिक्योरिटी इसमें और भी आपके फैक्टर्स हो सकते हैं ठीक है तो इसमें आपको क्या दिख रही है अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिख रही है यानी इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी लॉस्ट क्या हो जाएगा आपके केस में आपने तीस हजार रुपये की जॉब छोड़ दी ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है क्यों क्योंकि आप इसके लिए आपने वो त्याग दिया आपने वो चीज छोड़ दी है कि नहीं जब तक आप प्रिपरेशन करोगे यानी कि आप इतना लॉस कर रहे हो उस चीज को अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है ये है ना फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी है मान लेते हैं मदर है ठीक है मदर हैं वो मान लेते हैं कि हाउस वाइफ उनकी कोई डिग्री जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी आ, मदर का एग्जाम्पल दूं तो वो बी एड है मतलब उन्होंने बी एड कर रखा है ठीक है बट वो फिर भी टीचिंग में नहीं गई क्यों हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जो घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उस वजह से नहीं वो फर्दर अपने या फिर जो अपने करियर में आगे वो फर्दर उन्होंने अपने डिग्री वाले प्रोफेशन को कैरी ऑन किया क्यों नहीं कैरी ऑन किया क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी तो उन्होंने वो जो चीज़ खोई ना वो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी आप समझ पा रहे होंगे अपॉर्चुनिटी लॉस थी वो जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सन के केस में जो सनलाइट आती है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी तो सनलाइट के केस में वो ज़ीरो होगी क्यों क्योंकि अगर मान लेता हूँ कि अब अभी, अभी मैं धूप में नहीं बैठा हूँ तो ऐसा तो है नहीं कि धूप को, को मैं कल ले नहीं पाऊँगा या फिर धूप जब चाहूँ तब मिल जाएगी धूप तो सिंपल सा बात है है कि नहीं आप समझ पा रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है इस पर भी क्वेश्चन आते हैं इस वजह से भी ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी ठीक है अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर आइडेंटिफाई दी आ, रुको जरा इसको मत करो थर्ड को भी रुको करवाएंगे फोर्थ तो भी एकदम आउट ऑफ बॉक्स ये क्वेश्चन है बिकॉज अभी ये मनी एंड बैंकिंग में देखेंगे यहाँ पे कोई इसका वो नहीं है रुक जाओ जरा चलो ये क्वेश्चन बताओ व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन दी इनकम एंड डिमांड इन केस ऑफ नॉर्मल गुड नॉर्मल गुड के केस में यानी सामान्य वस्तुओं के मामले में आय और मांग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है मुकुल कुमार पूछ रहे हैं सर आप बहुत रिच हो क्या हाँ आ, मुकुल मैं बहुत ही रिच हूँ बहुत अमीर हूँ मैं ठीक है लेकिन लव के सेंस में ठीक है यानी कि मैं लव बहुत देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को सिंपल है ना क्योंकि रिचनेस या फिर पुअरनेस सिर्फ एक डायमेंशन मेजर नहीं की जा सकती है है कि नहीं अगर मैं बोलता हूँ कि तुम गरीब हो तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुम गरीब हो इसलिए मैं हो सकता है गरीब तुम्हें गरीब बोल रहा हूँ कि तुम इमोशनली पुअर हो ठीक है तुम हो सकता है सोशली पुअर हो पुअर का या फिर रिच का सिर्फ एक डायमेंशन नहीं होता है ना और ना एक ना एक ही डायमेंशन होना चाहिए खैर इस क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन इनकम एंड डिमांड इन केस ऑफ नॉर्मल गुड इनकम और डिमांड इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी इनकम घटेगी तो डिमांड घटेगी अभी बताया मैंने आपको दर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप वट इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजमशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ एन आईटम कॉल्ड जो चेंज हुआ इन द यूटिलिटी जो अब आपको तृप्ति मिलेगी जो पहले मिली थी जो अब वर्सेज अब मिलेगी जो आपने एक यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम कर ली उसकी वजह से दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी सारी चीज़ें हमने देख चुके हैं अभी एज पर दी लॉ ऑफ डिमांड इफ इफ ऑल अदर कॉम्योडिटीज़ रिमेन दी सेम वही जो मैं चीज़ बोला था अगर बाकी सारी चीज़ों के प्राइस सेम रहते हैं इन आपकी इनकम नहीं बढ़ती है सारी चीज़ें नहीं ऑल दी अदर फैक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट देन द रिलेशन बिटवीन द डिमांड एंड प्राइस ऑफ अ काम्योडिटी डिमांड और प्राइस में क्या वो होगा प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम प्राइस कम होगा डिमांड ज़्यादा हो, यानी कि नेगेटिव रिलेशन होगा सिंपल डैश इज अ टाइप ऑफ गुड फॉर विच डिमांड इनक्रीजेज एज इज एज इट्स प्राइस राइजेस डिमांड राइज कर रही प्राइस भी राइज कर रहा है वो कौन से होते हैं दो तरह के गुड मैंने आपको बताए थे एक तो गिफेन और दूसरे वेमलन गुड्स ऑप्शन नंबर ए सिंपल फॉर इकोनॉमिक्स डैश रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस तो दैट पीपल आर बोथ विलिंग एंड एबल टू बाय अर्थशास्त्र के लिए डैश किसी उत्पाद या सेवा की मात्रा को संदर्भित करता है जिसे लोग खरीदने के इच्छुक और सक्षम यानी कि इच्छा और औकात क्या बोलते हैं उसको डिमांड बोलते हैं मैंने बताया था ये डेफिनेशन आपको एकदम शुरुआत में इसीलिए बताया था बिकॉज क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो डिमांड का मतलब क्या होता है डिमांड इन इकोनॉमिक्स मतलब आपकी इच्छा है आपकी एबिलिटी है और आपकी उससे कोई यूटिलिटी सेटिस्फाई नहीं कि आपकी उससे आपको उससे यूटिलिटी मिल रही है एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन टाइम ठीक है इलेवेंथ इन एन इकोनॉमिक टर्म व्हाट डू वी मीन बाय इंटरमीडिएट गुड इकोनॉमिक्स में इंटरमीडिएट गुड यानी मध्यवर्ती वस्तुओं को क्या बोला जाता है बताइए इंटरमीडिएट गुड क्या कौन से गुड होते हैं तो इंटरमीडिएट गुड होते हैं हमारे गुड सोल्ड बिटवीन इंडस्ट्रीज फॉर रीसेलर और प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड यानी कि जो बाकी गुड्स के सेल में हेल्प करते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स जैसे कि मान लेते हैं कि एक बिस्किट है बिस्किट में सब कुछ बिस्किट बन गया लेकिन बिस्किट में एक सेंट देने के लिए बहुत ही अच्छा सा स्वीट स्मेलिंग सेंट देने के लिए हमने ईस्टर किसी से किसी मान लेते हैं कि किसी कंपनी से हमने कुछ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स खरीदे ठीक है स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड ईस्टर्स खरीदे तो उस कंपनी ने जो हमें गुड्स से सेल किए दैट विल बी टर्म्ड एज ईस्टर सॉरी इंटरमीडिएट गुड्स ठीक है Easter, uh, sorry, goods, अगला क्वेश्चन है द डिमांड फॉर अ कमोडिटी और अ सर्विस विच इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिमांड फॉर समथिंग एल्स इज कॉल्ड एज यानी कि किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य वस्तु की मांग का परिणाम होती है जैसे अभी मैंने वो अल्टरनेटिव वाला आपको बताया था ना आपको याद हो क्रॉस प्राइस क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में कि एक प्राइ एक प्रोडक्ट ए है उसका डिमांड बढ़ उसका प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी वजह से बी की डिमांड बढ़ रही है यानी डिमांड फॉर अ कम्युनिटी और सर्विस विच इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिमांड फॉर समथिंग एल्स उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं क्या डिराइव्ड डिमांड इनकम डिमांड डायरेक्ट डिमांड कंपोजिट डिमांड नहीं डिराइव्ड यानी कि इसकी वजह से जो इनकम डिराइव हो रही है इसको बोलेंगे डिराइव्ड डिमांड थर्टींथ वॉट इफेक्ट विल अ डिक्रीज इन डिमांड एंड एन इंक्रीज इन सप्लाई हैव एन इक्वलिब्रियम प्राइस इक्वी प्राइस में क्या चेंज होगा वॉट क्या चीज सर मैं नहीं लूंगा दहेज अच्छा मत लेना भाई और अभी एक कॉन्सेप्ट आपका बचा है कंपोजिट कौन बोल है अभी अभी एक आपका कॉन्सेप्ट बचा है टाइप्स ऑफ मार्केट काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है वॉट इफेक्ट विल आर डिक्रीज इन डिमांड एंड एन इंक्रीज इन सप्लाई प्राइस आंसर किलो का ए आ रहा है का बी आ रहा है आंसर होगा कि यहां पे देर विल बी अ फॉल इन इक्विलिब्रियम प्राइस क्यों क्यों चलो तो अभी यहाँ पे क्या पूछा गया था वॉट वॉट इफेक्ट विल अ डिक्रीज इन डिमांड ठीक है डिमांड डिक्रीज़ हो रही है एंड डिमांड डिक्रीज़ हो रही है लेफ्ट की तरफ आपका शिफ्ट हो गया इनक्रीज़ इन दी सप्लाई सप्लाई में इनक्रीज़ हो रही है डिमांड कम होती जा रही है सप्लाई बहुत बढ़ती जा रही है तो इसकी वजह से क्या होगा इक्विलिब्रियम प्राइस घटेगा क्यों घटेगा ऐसे समझो मान लेते हैं सप्लाई हो रही है 50 किलो की क्योंकि प्राइस ज़्यादा है इसलिए सप्लायर 50 किलो खूब सप्लाई कर रहे हैं मान यहाँ पे 50 का मतलब 50 किलो का मतलब बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रही है तो उसकी वजह से डिमांड क्या होगी खुद ही सोचो कि आ, मतलब व्हाट इफेक्ट विल डिक्रीज़ इन डिमांड एंड इंक्रीज इन प्र, आ, प्राइस सप्लाई प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया सौ रुपये किलो दाम चल रहा है टमाटर का तो डिक्रीज़ डिमांड में होगा लेकिन सप्लाई में आपका इंक्रीज़ होगा धीरे धीरे क्या होगा धीरे धीरे ये होगा कि जो आपका इक्विलिब्रियम है वो नीचे की तरफ सॉरी वो आपका खिसकता जाएगा नीचे की तरफ खिसकता जाएगा क्यों क्योंकि अब प्राइस तो बहुत ज्यादा मतलब सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है लेकिन डिमांड नहीं है अब क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो गई तो लोग अब डिमांड भी धीरे धीरे करने लगेंगे तो इसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम प्राइस है जो पचास आ, किलो अभी सेल कर रहे हैं सौ रुपए प्रति किलो में वो सौ रुपये धीरे 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 कम होने लगेंगे यानी इक्विलिब्रियम का जो प्राइस है वो धीरे 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 फॉल होने लगेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा ठीक है वॉट वुड हैपन टू द डिमांड कर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ अब्सिट्यूट प्रोडक्ट क्या अंतर होगा अगर मान लेते हैं ये एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट ए है बी है वॉट वुड हैपन टू द डिमांड कर ऑफ मान लेते हैं प्रोडक्ट बी वेन देर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट प्रोडक्ट मान लेते हैं प्रोडक्ट ए है या फिर आप ऐसे समझ लो कि हम प्रोडक्ट ए की बात कर रहे हैं कि इसकी डिमांड पे क्या चेंज होगा अगर इसके जो सब्सिट्यूट प्रोडक्ट है उसके प्राइस में इंक्रीज़ हो जाता है ये प्राइस बहुत बढ़ गए बहुत बढ़ गए तो अब क्योंकि इसके प्राइस बढ़ गए इसलिए इसकी डिमांड बढ़ जाएगी क्यों क्योंकि लोग फिर सब्सिट्यूट की तरफ भागे हैं कि अरे यार छोड़ो यार इससे अच्छा तो वही ना कर लें कंज्यूम कर लें जैसे कि मान लेते हैं कि चीज़ और वो है बटर है तो यार चीज़ इतना महंगा और इससे अच्छा बटर ना ले लें ठीक है तो इस तरह से आप वो समझ सकते हो कि अगर एक का इंक्रीज हो रहा है प्राइस में तो दूसरे का जो डिमांड है वो बढ़ेगा और जब डिमांड बढ़ता है तो क्या होता है डिमांड नेगेटिव स्लोपिंग डिमांड बढ़ता है तो ये कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होता है और राइट वर्ड को ही आउट वर्ड शिफ्ट बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा ठीक क्वेश्चन हो गए आपके अच्छा एक क्वेश्चन इसको करिए व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पब्लिक गुड एक क्वेश्चन हम लोगों ने प्राइवेट गुड वाला छोड़ा था अब पब्लिक गुड वाला देखिए यहां पे पब्लिक गुड वाला इसमें से कौन सा सही होगा So there is a clear link between producer and consumer which occurs through the payment process. The principle of excludability is applicable to its consumptions. Its consumption is rivalrous in nature. There is a possibility of free ridership in the consumption. It may say consa related to public goods. There is a clear link between producer and consumer which occur through the payment process. क्लियर लिंक पब्लिक गुड का मतलब क्या होगा वो गुड जो गवर्नमेंट दे रही है गवर्नमेंट के जो गुड्स होते हैं पब्लिक गुड्स होते हैं वो जनरली हमें फ्री में मिलते हैं उसके लिए हम पे नहीं करते हैं ठीक है तो इस वजह से यहाँ पे डिमांड और सप्लाई वाला उतना खेल चलता नहीं है डिमांड सप्लाई का खेल अगर आपको याद हो पहले ही लेक्चर में देखा था जो हमारी जो कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमीज होती हैं वहाँ पे चलता है यानी कि जहाँ पे प्राइवेट गुड्स हो गए हैं ठीक है द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूडिबिलिटी इज एप्लीकेबल टू इट्स कंजम्प्शन बिल्कुल नहीं है द कजम्पन इज़ इन नेचर बिल्कुल रिवालरस नहीं है यानी कि कि अगर कोई एक पर्सन कंज्यूम कर रहा है किसी चीज़ को तो उसका कंजम्पन किसी दूसरे पर्सन पर अफेक्ट नहीं करेगा जैसे फॉर एक्जाम्पल ये इट्स कन्जम्पन इज इन नेचर रिवालरस का मतलब ये है कि अगर आप मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा इसको एक पर्टिकुलर चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं तो कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे क्या होगा डिमांड बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी तो धीरे धीरे क्या हो सकता है कि हो सकता है कि जो सप्लाई कर रहा है उसके वो सब प्राइस बढ़ाता जाए वो ठीक है सिंपल फैक्टर है तो ये भी आपका प्राइवेट गुड में देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री राइडरशिप इन द कंजशन ये बात बिल्कुल सही है ना वॉट इज फ्री राइडरशिप फ्री राइडरशिप का मतलब होता है कि जो पब्लिक गुड होते हैं वो फ्री में लोगों के पास अवेलेबल होते हैं फ्री में वो कंज्यूम कर सकते हैं तो वो उसके लिए पे नहीं करते हैं पीपल डू नॉट पे फॉर द पब्लिक गुड और उसको बोलते हैं फ्री राइडरशिप प्रॉब्लम गेहूँ मिल रहा है दो रुपए किलो में तीन रुपये किलो में चावल मिल रहा है तो कोई कोई क्या होते हैं मतलब वो अपना फर्जी कार्ड वार्ड बनवा के राशन कार्ड वगैरह जिसके लिए एप्लीकेबल नहीं है वो भी दो रुपए में किलो में गेहूँ उठा रहे हैं तीन रुपये में चावल उठा रहे हैं भले वो उसके लिए पैसा दे सकते हैं लेकिन नहीं दे रहे हैं क्योंकि पब्लिक गुड है तो इस वजह से वो फ्री राइडरशिप प्रॉब्लम आ जाती है पब्लिक गुड्स में क्लियर है एक क्वेश्चन करते हैं वो प्राइवेट गुड वाला और उसके बाद आते हैं हम लोग Uh, ये टाइप्स ऑफ मार्केट में ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइवेट गुड बताइए इनमें से कौन सा uh, निम्नलिखित में, तो में से कौन सा एक निजी वस्तु है या फिर उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है चलो तो प्राइवेट गुड क्या होता है गुड दैट इज अवेलेबल टू एवरी वन टू कंज्यूम रिगार्डलेस ऑफ हु इट एंड हु नॉट बिल्कुल नहीं अ गुड दैट इज अवेलेबल टू एवरी वन वो होता है पब्लिक गुड वो क्या होता है पब्लिक गुड जब भी हम लोगों ने देखा जिसमें फ्री टाइटल प्रॉब्लम आती है स्पिल ओवर ऑफ़ बेनिफिट्स बिल्कुल नहीं नॉन राइवल इन कंजम्पशन नॉन राइवल इन कंजम्प्शन एंड एक्सक्टेबल तो भाई राइवल इन कंजम्पन होता है प्राइवेट गुड और नॉन राइवल होता है पब्लिक गुड अभी हम वही देख के आ रहे थे कि राइवलरी शिप कहाँ पर होती है ये होती है प्राइवेट गुड में ये तो नॉन राइवल होते हैं नॉन राइवल का मतलब है कि भाई हम तो वहीं से कोटे से खरीदेंगे दो रुपए किलो गेहूं और तीन रुपए किलो चावल चाहे कोई भी बगल में मतलब खोल दे है कि नहीं और वो दो रुपए किलो में ही मिलेगा और तीन रुपए किलो में ही चावल मिलेगा ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ये देखेगी कि जो लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा और कॉम्पिटिटिव बना देते हैं इस तरह से नहीं होता है ठीक है अ गुड दैट इज़ कंज्यूम्ड बाई अ सिंगल पर्सन और हाउस होल्ड उसको बोलते हैं प्राइवेट गुड क्लियर अब यहाँ पर आ जाते हैं एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं ठीक है वैसे तो ये हम देखेंगे आगे बट एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट ठीक है मात्र दस मिनट का टॉपिक है डैश इज अ सिचुएशन इन द बॉन्ड मार्केट वेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल एंड स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बिकम्स परफेक्टली इलास्टिक अभी पढ़ा था कि जो स्पेकुलेटिव डिमांड होती है रिलेटिवली इंटरेस्ट इलास्टिक होती है कैसी होती है रिलेटिवली इंटरेस्ट इलास्टिक होती है जरा सा आप इंटरेस्ट में चेंज करिए तो आपको ज़्यादा चेंज इन स्पेकुलेटेड डिमांड देखने को मिलेगा ठीक है तो उसको बोलते हैं रिलेटिवली इंटरेस्ट इलास्टिक ठीक है तो यहाँ पे कैश क्रंच इनफाइनाइट सप्लाई लिक्विडिटी ट्रैप जीरो मनी सप्लाई तो अभी मैं आपको उस चीज़ के बारे में बता रहा था दैट इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी ट्रैप लिक्विडिटी ट्रैप वो सिचुएशन होती है इकनॉमी में जब हम मनी एंड बैंकिंग देखेंगे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कि जब लोगों को लगता है कि डिफ्लेशन यानी कि इकोनॉमी गिरेगी इकोनॉमी गिरेगी दैट मीन कि अभी पैसे को लगाना सही नहीं है पैसे को लगाना इंदी मार्केट सही नहीं है जब पूरी तरह से गिर जाएगी मार्केट तब लोवेस्ट पॉइंट पे पैसा लगाएंगे तो जब उठेगा तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा ये लोगों की सट्टा प्रवृत्ति होती स्पेक्युलेटिव डिमांड होती है तो उनको ये लगता है कि ये ऐसी सिचुएशन मतलब इस सिचुएशन में अब डिफ्लेशन बहुत भयंकर आने वाला है इसलिए जैसे कोविड के टाइम पर बोल सकते हैं कि मतलब डिफ्लेशन बहुत भयंकर आने वाला है इस केस में क्या होता है लोग इस परफेक्टली इलास्टिक यानी कि चाहे जितना मतलब इंटरेस्ट इधर का उधर हो जाए जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है अभी एग्जांपल देता हूँ कि आठ परसेंट रेट था अभी मतलब दो मान लेते हैं दो परसेंट था ठीक है तीन परसेंट हो गया कुछ हो ही नहीं रहा चार परसेंट हो गया कुछ हो ही नहीं रहा मतलब लोग इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं लोग इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं यानी कि वो जो डिमांड है वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है लोग इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहे हैं उतना कम उतना मनी होल्ड करके रखे हुए हैं क्यों क्योंकि क्यों उनको ये संभावना है कि मार्केट गिरेगी जैसे कि अभी चुनाव का टाइम आने वाला है ठीक है तो ये लोग डिमा वो स्पेकुलेट कर रहे हैं कि भाई ये मार्केट गिरेगा भी ऑटो करेक्ट होगा तो इसलिए पैसा मत लगाओ चाहे भले इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है वो ये हैं वो इस स्पेकुलेशन बैठे हुए हैं कि जब चुनाव का टाइम आएगा तब सबसे ज़्यादा गिरेगा तब लगाएंगे मार्केट में पैसा क्योंकि पता चला सरकार बदल गई ऐसा कुछ हो गया तो फिर पैसा डूब सकता है इस तरह से मतलब वो चांसेस होते हैं जब सरकार बदलती है तो थोड़े से लोगों की स्पेकुलेशन होती है तो जब वो सब कुछ हो जाएगा तब हम उस टाइम पैसा लगाएंगे तो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है यानी कि परफेक्टली इलास्टिक है यहाँ पे स्पेकुलेटिव डिमांड वैसे तो रिलेटिवली इंटरेस्ट इलास्टिक होती है लेकिन लिक्विडिटी ट्रैप के सिचुएशन में जहाँ पे लोग ये स्पेक्युलेट करने लगते हैं कि भाई डिफ्लेशन होने वाला इकोनॉमी में और लोग अपने पैसे को होल्ड कर रहे हैं ना तो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना तो किसी को पैसा दे रहे हैं ना तो कुछ कंज्यूम कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं सब वहीं पर पैसा होल्ड करके बैठे हुए हैं दैट इज़ कॉल्ड एज परफेक्ट इलास्टिक सिचुएशन इन द केस ऑफ़ लिक्विडिटी ट्रैप ठीक है अब यहां देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट ठीक है टाइप्स ऑफ मार्केट लगे हाथ इसको भी निपटाई लेते हैं इंपॉर्टेंट है और आराम से हो जाएगा इसमें आपको काफी मजा आने वाला है इसको सीखने में ठीक है पहला वाला है मोनोपली टाइप ऑफ मार्केट मोनोपली टाइप ऑफ मार्केट ये क्या होती है मोनोपली वो होती है जब आपका सिर्फ एक सेलर होता है ओनली वन सेलर ठीक है सिर्फ आपका एक इंसान है वो प्रोडक्ट को बेच रहा है उसको बोलते हैं मनोपली उसको क्या बोलते हैं मनोपली जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे उदाहरण दूँ कि जैसे इंडियन रेलवे बोल सकता हूं ठीक है वैसे तो धीरे धीरे गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है लेकिन इंडियन रेलवे अभी तक क्या थी कि भाई पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में थी अब जब अगर इंडियन रेलवेज पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में थी तो आप खुद ही सोचिए ठीक है तो पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में थी तो खुद ही सोचिए कि रेलवे जितना पैसा डिसाइड करेगी उतना आपको देना पड़ेगा जैसे आज मान लेते हैं कि पॉइंट पौ ए से पॉइंट बी जाने में सिटी ए से सिटी बी जाने में सौ रुपये किराया लगता है ठीक कंसिडरिंग अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट अगर मान लो कि रेलवे बोल देती नहीं दो सौ रुपये तो भी तो आप देंगे दो सौ रुपये देंगे कि नहीं देंगे तीन सौ रुपये कर दे तो भी देंगे क्यों क्योंकि रेलवे मतलब आपको क्या लगता है इंडियन रेलवे नहीं यूज़ करेंगे तो कोई किसी और का भी रेलवे चल रहा है क्या यहाँ है पर हैं बाकी डिफरेंट कंपनीज़ के भी रेलवे रेलवे चल रहे हैं क्या जो आप उससे चले जाओगे नहीं तो जब मनोपली होती है तो वहाँ पर एक सेलर होता है किसी चीज़ का जब एक सेलर होता है वैसे तो प्योर मनोपली रेयर है प्योर मनोपली इज़ रेयर बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगा कि भाई इस चीज़ में सिर्फ एक ही बंदा है और कोई है ही नहीं ठीक है यानी कि मनोपली के केस में एंट्री बैरियर लगा होता है एंट्री बैरियर आप समझते हैं यानी कि इसमें कोई घुस नहीं सकता है अब रेलवे ऐसा नहीं कि जिसका मनाया वो घुस गया जैसे फॉर एग्जांपल अडानी और अंबानी की मान लेते हैं औकात भी कि, कि है घुसने की क्योंकि हाँ वो घुस सकते हैं उसमें मार्केट में उनके पास इतना पैसा है कि वो रेलवे लाइन खुद की स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि तुम घुस ही नहीं सकते हो आर्टिकल नंबर नाइनटीन अनुच्छेद उन्नीस क्या बोलता है राइट टू प्रोफेशन बोलता है छः तरह के राइट है राइट टू प्रोफेशन देता है उसमें पता है एक्सेप्शन क्या है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं पता है सर ना सबको कि उचित प्रतिबंध लगे हुए हैं आर्टिकल नाइनटीन में तो जो राइट टू प्रोफेशन वाला है उसमें एक ये उचित प्रतिबंध है कि गवर्नमेंट में कन्फर अ मोनोपली इन सर्टन एरिया एंड इट नीड नॉट जस्टिफाई द रीज़न फॉर इट यानी कि गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में खुद के लिए मोनोपली रख सकती है और वो उसका रीजन बताना उसको जरूरी नहीं है ठीक है जैसे रेलवे हो गया तो कोई उससे नहीं पूछेगा तुम्हारी मोनोपली चल रही है यहाँ पे तुमने मोनोपली क्यों स्थापित कर रखी है हमको क्यों नहीं क्यों क्योंकि रेलवे मान लेते हैं एक पब्लिक एक वो गुड है और रेलवे ज़रूरी है कि सबको अफोर्डेबल रेट में मिले इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने कर रखा है ये तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी कि भाई प्राइस एकदम से बढ़ा देगी बहुत ज़्यादा लेकिन अब खुद ही सोचेंगे अगर बढ़ा भी देगी तो हम क्या कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे यानी कि यहाँ पे एंट्री बैरियर होते हैं मोनोपली में दूसरा टाइप ऑफ मार्केट होता है हमारा ओलीगोपोली इसको भी हिंदी में भी बता देता हूँ आपको ठीक है बट पहले आप ये समझिए इनका मतलब क्या होता है ठीक है वो जो मोनोपली होते हैं ओलीगोपोली होते हैं और अभी जो हम आगे देखेंगे ठीक है तो मोनोपली जो होती है ओलिगोपोली पहले समझ लो ओलिगोपोली होती है आई थिंक इसको हिंदी में पक्का मुझे नहीं पता है, बट आई थिंक अल्पक्रेता अधिकार कुछ बोलते हैं ठीक है अल्पक्रेता अल्प का मतलब होता है कम लोग हैं कुछ लोग हैं यानी कि देर आर फ्यू डोमिनेंट सेलर्स ऑफ अ प्रोडक्ट फ्यू डोमिनेंट सेलर्स ठीक है product, sellers, और बहुत सारे बायर्स हैं बायर तो बहुत ज़्यादा हैं ख़रीदार तो बहुत ज़्यादा हैं बट फ्यू डोमिनेंट सेलर्स हैं कुछ ही लोग बेच रहे हैं ऑलीगोपोली एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हैं इसमें एग्ज़ाम्पल दीजिए ठीक है जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा इसका टेलीकॉम सेक्टर जो करंट में अगर हम देखें टेलीकॉम सेक्टर है उसमें कौन है उसमें आपका जियो है उसमें आपका एयरटेल है ठीक है उसमें आपको कुछ एक दो और मिल जाएंगे जैसे कि मान लेते हैं वोडाफोन इंटरनेट वी और कुछ एक दुक्का आपको ज़्यादा ज़्यादा नाम याद आ जाएंगे यही तो है यानी कि ओलिको हमारे टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ कुछ ही दो तीन प्लेयर हैं अब जियो फ्री में आया था अब देखिए कहाँ आपके रेट चल रहे हैं एयरटेल के रेट कहाँ चल रहे हैं अब अगर जियो एयरटेल बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा देते हैं जियो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है कहाँ जाओगे ज़्यादा जाओ जाओ? एयरटेल के पास चले जाओगे और कहीं जाओगे एयरटेल ही बढ़ा देगा दोनों मिल जाएंगे कि भाई इससे प्राइस तो कम करना ही मत मत करना इससे प्राइस कम ठीक है कि भाई मान लेते हैं कि महीने भर का महीने भर का रिचार्ज होता है तीन का होता है जियो एयरटेल ने बोला चार बढ़ा देते हैं दोनों लोग ठीक है तुमको जितना बढ़ाना बढ़ा लो लेकिन चार से दोनों लोग नीचे नहीं जाएंगे कहाँ जाओगे फिर नहीं जा पाओगे ना कहीं पे तो ऑलिगो में क्या होता है कि इसमें बहुत ही डोमिनेंट सेलर्स होते हैं कुछ और बहुत सारे बायर्स होते हैं ठीक है यहाँ पे इजी एंट्री नहीं है वहाँ पे एंट्री थी नहीं एंट्री बैरियर था हर कोई नहीं घुस सकता भाई कोई नहीं घुस सकता है कोई नहीं घुस सकता, सकता। यहाँ पर हर कोई नहीं घुस सकता है ठीक है यहाँ पर क्या है नो ईजी एंट्री नो ईजी एंट्री तीसरा देखते हैं तीसरा टाइप ऑफ जो हमारा मार्केट होता है दैट इज कॉल्ड एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसका मतलब होता है मोनोपोली स्थापित करने के लिए जो कंपटीशन हो रहा है उसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं बहुत सारे बायर्स होते हैं जैसे कि अगर मैं आपको उदाहरण दूं और ये सब क्या करते हैं ना सिमिलर और स्लाइट टली ठीक है सिमिलर प्रोडक्ट बोझते हैं बट स्लाइटली डिफरेंट होते हैं सिमिलर बट स्लाइटली डिफरेंट गुड्स स्लाइटली डिफरेंट गुड्स या फिर प्रोडक्ट्स जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो एग्जाम्पल आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं किसको एग्जाम्पल आप कंसिडर कर लीजिए यहाँ पर टूथपेस्ट को ठीक है टूथपेस्ट का जो मार्केट है है कि नहीं बेच सब एक ही चीज़ें हैं लेकिन कोई बोलता है हमारे टूथपेस्ट में नमक है कोई बोलता है धनिया है कोई बोलता है लहसुन है ना जाने क्या क्या बोलते रहते हैं है सेम चीज़ मतलब है सिमिलर चीज़ है टूथपेस्ट लेकिन स्लाइटली डिफरेंट है प्रोडक्ट कोई बोलता है नमक है कोई बोलता है धनिया है कोई बोलता है चारकोल है सबके अलग अलग है कुछ ना कुछ अलग है पतंजलि बोलता है कि हम नीम वीम तोड़ के लाए भी बना के लाए ठीक है तो सब क्यों क्यों कटे मरे जा रहे हैं क्योंकि ताकि मोनोपोली स्थापित कर सकें इसलिए कटे मरे जा रहे हैं वो आपस में सेलर बहुत सारे हैं बायर भी बहुत सारे हैं ठीक है फोर्थ पे आते हैं फोर्थ पे आते हैं जैसे कि अभी चलो एजुकेशन वाले प्लेटफॉर्म ले लेते हैं एडटेक टेक प्लेटफॉर्म भी ले लेते हैं तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारे में ये है हमारे टीचर में ये है ठीक है या फिर हमारे ऐप में ये है या फिर प्राइस कम कर देंगे मतलब न जाने क्या क्या लोग करते हैं ठीक है तो क्यों करते हैं ताकि मोनोपली स्थापित करी जा सके ठीक है फोर्थ पे आते हैं एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज़ परफेक्ट कंपटीशन इसको यहीं पे लिख देते हैं फोर्थ एंड द लास्ट वन इज़ परफेक्ट कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि एकदम कोई वही नहीं है कोई वही नहीं से मतलब है कि यहां पे मैनी सेलर हैं मैनी सेलर्स हैं मैनी बायर्स हैं और वो सब होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं यहां पे कीवर्ड इज होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होमोजीनियस प्रोडक्ट्स का मतलब है कि उनके प्रोडक्ट में कुछ भी डिफरेंट नहीं है जैसे रेड़ियां लगती हैं जैसे मान लेते हैं आप अपनी सब्जी मंडी में गए टमाटर जो ये बेच रहा है वही टमाटर वो भी बेच रहा है कुछ क्या ऐसा तो है नहीं कि सोने वाले टमाटर हैं हैं सेब हैं तो वो भी सेम सेब बेच रहा है थोड़ा बहुत अंतर होता है लेकिन यूजली वैसा कुछ अंतर नहीं कि हमारे सेब में नमक है और तो वो बोलेगा हमारे सेब में वो आ, आ, मतलब कोई वो है चीनी है ठीक है तो होमोजेनस प्रोडक्ट है इसका एग्जाम्पल वही हो सकता है आपका फ्रूट मार्केट या फिर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स होते हैं ठीक है एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट हो गए वो हमारे इसी में आ जाएंगे क्योंकि वो होमोजेनस प्रोडक्ट्स हैं यहां पे क्या है फ्री एंट्री एंड एग्जिट है फ्री एंट्री एंड एग्जिट आराम से जिसको आना है जिसको जाना है वो जाए ठीक है अच्छा ओलीगो मैंने नहीं बताया ना ऑलीगो बता दिया हाँ ऑलीगो में ये हो गया परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपका ओलीगो में और भी क्या हो सकता है ओलीगो में आपका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे लैपटॉप वगैरह हो गया ठीक है लैपटॉप का जो मार्केट हो गया जो लैपटॉप सेल कर रहे हैं कितने ऑप्शन ऑप्शनस आपके पास या तो एप्पल का ले लोगे ठीक है अगर ज़्यादा पैसे हैं अगर थोड़े कम है तो फिर लेनोवो एच पी डेल कुछ ही तो आपके पास ऑप्शन हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिसाइड कर लें आपस में कि इससे हम चालीस हज़ार से नीचे लैपटॉप बेचेंगे नहीं ठीक है तो मतलब एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे एंट्री ईजी नहीं है ऐसा नहीं कि कोई कर ही नहीं सकता है लैपटॉप अगर मुझे कंपनी सेटअप करनी है तो मैं कर सकता हूँ लेकिन बहुत पैसा उसके लिए लगेगा है ना बहुत कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो इजी एंट्री नहीं है तो लैपटॉप का मार्केट टेलीकॉम का मार्केट बोल सकते हो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आप समझ गए टूथपेस्ट हो गया या फिर डिफरेंट तरह की जो क्लॉदिंग हो गई यानी एपरल्स हो गए आपके ठीक है तो ये सारे आपके मोनोपलिस्टिक कंपटीशन में आते हैं टेलीफोन भी आप उसी में रह सकते हो जो जो मोबाइल का मार्केट है मोबाइल भी आजकल ना जाने कितने हैं वीवो ओप्पो ये वो ना जाने कितने इक्को इकु। पिक्को है ना एक नई कंपनी है इक्को ठीक है तो ये सारे होते हैं आपके इसमें और परफेक्ट कॉम्पिटिशन आप समझ गए जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वगैरह हमारे होते हैं ठीक है सभी को क्लियर है यहाँ तक किसी को ही डाउट ठीक है और इसको हिंदी में आई थिंक इसको बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार ठीक है पूर्ण प्रतियोगी पूरी तरह से प्रतियोगिता चल रही है ठीक है पूरी परफेक्ट परफेक्ट एकदम कंपटीशन चल रहा है कि मान लो मान लो कि यहाँ पे कोई टमाटर बेच रहा है ठीक है अगर मान ले मान लो कि इसने अपने टमाटर का दाम बीस रुपये किलो कर दिया इसका और सबने यहाँ पर सब लोग तीस रुपये में बेच रहे थे तीस रुपये में बेच रहे सब लोग इसने बीस कर दिया मजबूरन इनको भी क्या करना पड़ेगा तुरंत 25 20 के करीब लाएंगे परफेक्ट कंपटीशन परफेक्ट गला काट कंपटीशन चल रहा है एकदम ठीक है क्यों क्योंकि प्रोडक्ट में कोई डिफ्रेंसिएशन ही नहीं है सारे होमोजेनियस प्रोडक्ट है यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट डिफरें डिफ्रेंशिएशन को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे टूथपेस्ट में ही सफ़ेद है कोई बोलता काला है हमारा टूथपेस्ट है ना क्लोथिंग में कि हमारी क्लोथिंग इस तरह की है इस तरह की है कॉटन है ये सारी चीज़ें ठीक है तो आई होप ये समझ गए होंगे तो इसको पूर्ण प्रतियोगी बाजार बोलते हैं समझ गए आप और इसको बोलते हैं एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार ठीक है एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार यानी एकाधिकार मोनोपोली सेटअप करने की कोशिश हो रही है यहां पे प्रतियोगिता बाजार ठीक परमार मोनोपली अच्छा मेरे से ले लो मेरे से ले लो क्या ले लो भाई क्या दे रहे हो तुम छवि सिंह क्वेश्चन थ्री में डाउट है अच्छा क्या था क्वेश्चन थ्री इसमें क्या डाउट है बताने का प्रयास करिए जरा मतलब तो डाउट क्या है तो फिर मैं क्लियर करूं सर गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली रिलेटिवली इन इलास्टिक अच्छा क्लियर करते हैं वही सारी हो गई थिंक अभी तो इसमें रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक में डाउट हो रहा है ठीक है आ, ये है रिलेटिवली इलास्टिक ये है रिलेटिवली इन इलास्टिक ठीक है यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें जो इलास्टिसिटी का जो कांस्टेंट कौंस, है वो एक से ज़्यादा है यहाँ पे क्या है ये ईड इज लेस देन वन ठीक है ये था जब परफेक्ट Perfect, मतलब परफेक्टली इंटरेस्ट इलास्टिक यानी ई डी था यह था परफेक्टली परफेक्टली इनलास्टिक ई डी ज़ीरो था डिमांड में चेंज ज़ीरो था डिमांड में चेंज जीरो था डिमांड में चेंज इन्फिनिटी है ठीक है डिमांड में चेंज इज ग्रेटर देन वन डिमांड में चेंज इज लेस देन वन कैसे यह है आपका रिलेटिवली रिलेटिवली इंटरेस्ट इलास्टिक सॉरी रिलेटिवली प्राइस यहाँ पे इलास्टिसिटी की बात कर लेते हैं इंटरेस्ट में आप कन्फ्यूज हो जाओगे ठीक है रिलेटिवली डिमांड इलास्टिक ठीक है रिलेटिवली डिमांड इलास्टिक यहाँ पे क्या है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड इन इलास्टिक है ठीक है कन्फ्यूज़न आपको क्यों हो रहा है वो देखो ये पी वन है प्राइस ये मान लो कोई चीज़ का प्राइस पीवन है ये किसी चीज़ का प्राइस पी टू है आपने एक चीज़ को यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि बहुत ही ज़रा सा चेंज मैंने किया प्राइस में लेकिन यहाँ पे देखिए डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया यानी कि ज़रा सा प्राइस में चेंज में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाना जैसे कि मैंने आपको ऐसे समझो मैंने आपको थप्पड़ मारा अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गए बहुत ज़्यादा गुस्सा गए पर रिलेटिवली इंटरेस्ट इलास्टिक बहुत ज़्यादा आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं ज़रा सा मैंने किसी रबड़ को खींचा बहुत ज़्यादा खींच गई वो तो रिलेटिवली इलास्टिक है वो ज़्यादा इलास्टिक है यहाँ पे क्या है यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ रबड़ खींच रहा हूँ थप्पड़ मार रहा हूँ आप में चेंज भी आ रहा है आप में आप में उसको लेके प्रतिक्रिया भी है लेकिन बहुत कम प्रतिक्रिया है आपको मैंने बहुत जोर का थप्पड़ मार दिया फिर भी आप क्या बोल रहे हैं कि यार मारो नहीं यार नहीं बता रहे हैं फिर हम भी मार देंगे अभी ठीक है इस केस में क्या है इसमें इस केस में क्या है बहुत ज़्यादा एकदम बहुत ही ज़्यादा आपकी वो इलास्टिसिटी यानी कि आप आपको ज़रा सा मैंने बोल दिया आपने एकदम लात घूसे पे आप एकदम उतार हो गए आपने मार काट मचा दिया एकदम यहाँ पे क्या है आपको मैंने चाहे जितना हमारा एक थप्पड़ दो थप्पड़ गांधी जी वाली फिलासफी पे आप बिलीव कर रहे हैं आप कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे हैं मैं एक रबड़ उसको खींच रहा हूँ वो इलास्टिक ही नहीं है खींची नहीं रही है यहाँ बहुत ज़्यादा खींच रही है यहाँ पे जरा सा खींचने पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा खींचने पर थोड़ी सी स्ट्रेच हो रही है समझ गए अभी आप चलो तो यहाँ पे हम लोगों ने आज टॉपिक क्या कवर किए डिमांड सप्लाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखा स्पेकुलेटेड डिमांड देखा ठीक है वेबलन वेफन गुड्स देखे और साथ ही साथ हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट देखे ठीक है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट के आई थिंक इसमें क्वेश्चन है नहीं बाकी इसमें जब मैं कल क्वेश्चन लगा के आऊँगा तब या फिर जो आपको पी पी, -पी टी मिलेगी उसमें क्वेश्चन भी होंगे तो उनको आप लगा लीजिएगा ठीक है आप आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे ठीक है सर आपके एग्जाम्पल्स माशाल्लाह अच्छा इतनी जल्दी हो गई क्लास और क्या और क्या और, क्या? और कितना टाइम चाहिए हाँ? चलिए धन्यवाद सभी को क्लास हो गई खत्म है यहाँ आप पे आपकी मिलते हैं कल विद द मनी एंड बैंकिंग थैंक यू